अच्छा, इस चैप्टर का नाम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसका मुझे मतलब नहीं आता। और बाकी चैप्टर में जो उन्हें पढ़ना है सही है। देखो कुछ, अच्छा इसके नीचे में स्ट्रेट लाइन भी लिखा हुआ है उन्होंने। देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है ना, इसके अंदर आपको बेसिक बातें बतानी चाहिए। कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आप लोगों से, लेकिन बतानी चाहिए आपको। सबसे पहली बात कि आप लोग जो सेक्शन पढ़ने लगे हो ना, मैंने कल भी ये बात इंट्रोडक्शन में बताई थी कि जो आप लोगों का सेक्शन स्टार्ट होने लगा है, पहला चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ, उस सेक्शन का नाम क्या है, उसको आप एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हो या कार्टिशियन ज्योमेट्री भी कहते हो, ये सब एक ही चीज के नाम है। अब रही बात कि इसके अंदर हम करेंगे क्या, जैसे देखो हर सेक्शन मैथ का जो होता है ना, उसमें आपको पता होता है आपने करना क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का मेन मकसद क्या होता है, ट्राइंगल के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हो, उसके साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, और रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसमें ट्राइंगल बन रहा है उसको आप सॉल्व कर रहे होते हो। कैलकुलस में जब आते हो, रेट ऑफ चेंज एक बहुत ही मशहूर वर्ड है, आप लोग कैलकुलस में सुनोगे, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, या अगर आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपने एरिया निकालना है, या फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजों को सम करना है तो इंटीग्रेशन यूज कर रहे होते हो। कहने का मतलब हर सेक्शन के अंदर आपको पता होता है कि इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्जबरा है, आपको पता है इसमें अल्जेब्रिक इक्वेशन आएंगी। अब वो अल्जेब्रिक इक्वेशन आप लोगों के लेवल पे तो जस्ट एक इक्वेशन लिखी हुई होती है, लेकिन जब आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो रियल सिस्टम है ना, किसी चीज, कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसका बिहेवियर इक्वेशन से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने जो मास्टर्स में थीसिस किया था, उसमें क्या था, जो फ्लूड होता है आपका, अब फ्लूड नॉर्मली बच्चे समझते हैं, फ्लूड क्या होता है, क्वेश्चन बता सकता है, ये फिजिक्स की एक वर्ड है, फ्लूड सही हाँ, लिक्विड कहते हैं। है। और ये एक किसी ही भी मतलब है किस्म का किसी लिक्विड भी किस्म का लिक्विड। फ्लूइड उसे कहते हैं जो फ्लो करने की एबिलिटी रखता हो, जैसे गैसेस और हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, ये सारे फ्लूइड्स में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बताया। तो अब कंफ्यूजन छोटे लेवल पे, अब ये किसने क्लियर करना था मुझे नहीं पता, ये पुरानी क्लासेस में टीचर्स को बताना चाहिए था, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एक बहुत बेसिक सा वर्ड है फ्लूड, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिजिक्स के अंदर हम ये समझते थे फ्लूड होता है लिक्विड, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लूड की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच कैन फ्लो, और वो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, वो गैस भी फ्लो कर सकते हैं, और दुनिया में डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स भी हैं। अगर आपको शौक हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स की फील्ड बन जाएगी, तो मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा। एक को आप न्यूटोनियन फ्लूड कहते हो, और ये बड़े मजे मजे के फ्लूड है, मतलब इनके बिहेवियर अगर आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। एक को न्यूटोनियन फ्लूड कहते हैं, स्पेलिंग देख लेना, और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। जैसे कैचअप है, कैचअप और पानी के बिहेवियर में आपने फर्क देखा होगा, पानी की बोतल को मतलब अगर आप उल्टा करोगे ना तो पानी आराम से निकल जाएगा, लेकिन कैचअप के साथ ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कैचअप आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होगा, अगर आपने उसको फ्लो को बढ़ाना है ना, तो आप ऊपर से फोर्स लगाओ उसके ऊपर, तो देखना एकदम से फ्लो उसका बढ़ जाएगा। तो अब ये अलग किस्म का फ्लूड है। इसी तरीके से कुछ ऐसे फ्लूड होते हैं, ये आप लोगों को यूट्यूब पर अगर सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसे फ्लूड होते हैं कि जिसके ऊपर अगर आप छलांग मारो ना, तो वो सॉलिड बन जाते हैं, मतलब एक सडन आपने प्रेशर लगाया सॉलिड बन गया, लेकिन अगर आहिस्ता से जाओ तो वो लिक्विड बन जाते हैं। ये अब आप लोग सर्च करना है, इसको मैंने हेडिंग बता दी, इनके अलग अलग नाम होते हैं। एक एक बेकिंगम प्लास्टिक होता है, एक शेयर थिनिंग फ्लूड, शेयर थिकिंग फ्लूड, ये सारे होते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका नाम क्या है, तो जरा खुद सर्च करना, आप लोगों को पता चलेगा। तो कहने का मतलब, पता नहीं कहाँ निकल गई हूँ मैं, तो ये फ्लूड जो है ना, ये डिफरेंट किस्म के फ्लूड होते हैं, और फ्लूड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों इसके अंदर आते हैं। तो अब कोई भी स्पेसिफिक फ्लूड है, जैसे एयर आप ले लो यार, गाड़ियों की जब एरोडायनामिक्स आप बना रहे होते हो, तो ये विंग्स की शेप बना रहे होते हो, तो किसने आपको बताया कि विंग्स की इस तरीके की शेप बनाओ। अगर आपने देखा होगा साइड से, अगर आप देखो विंग्स की इस टाइप की शेप होती है, कुछ इस टाइप की, मैंने बड़ी बेहुदा बनाई है, एरोफॉइल शेप कहते हैं, एयरफॉइल शेप जिसको कहते हैं। तो विंग साइड से इस तरह होते हैं, बकायदा इसकी वजह है क्यों इस तरीके से हम बना रहे होते हैं। शेप जो बनती है ना इस तरीके की, तो हवा को ना ऊपर से तेज जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह जा रही है ना, तो उसको तेज जाना पड़ता है, वेलोसिटी अगर तेज होती है प्रेशर लो हो जाता है उसका, तो ऊपर लो प्रेशर होता है नीचे हाई होता है, तो हाई टू लो जा रही होती है इस तरीके से। इस टाइप की बहुत सी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब ये जो पूरा मैंने आपको फिजिकल फिनोमेना बताया, इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अब वो इक्वेशन किस टाइप की बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही होती है, वो अलग कैटेगरी है। तो स्टार्ट आप अलजबरा से ही करोगे, जो मैंने बोला था ना अलजबरा से आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपका वहीं से होगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते जाओगे डिफरेंट किस्म की इक्वेशन आपको मिलती जाएंगी, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल रही होंगी, कहीं आपको एक्सपोनेंशियल मिल रही होंगी। खैर, तो अलजबरिक इक्वेशन से आपने स्टार्ट करना होता है और नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाते हो। तो ये मैथ इतनी वास्ट आपकी पूरी फील्ड है, तो उसी तरह एक फील्ड है जिसको आप कहते हो एनालिटिकल, डिफरेंट इसके नाम है। इसमें आप करते क्या हो भाई, देखो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, इसमें आपका गोल क्या होता है,
आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे ज्योमेट्री पढ़ी थी, उससे पहले भी आप लोग ज्योमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको सिंपल प्लेन ज्योमेट्री आप कहते थे। उसमें क्या होता था कि आप फिगर्स को पढ़ा करते थे, आपने सर्किल पढ़ लिया, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, डिफरेंट फिगर्स आपने देख ली। अब आप क्या करोगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपने उन फिगर्स को पढ़ना है यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, आप खाली पहले स्ट्रेट लाइन को पढ़ते थे, रे को पढ़ते थे, किसी लाइन सेगमेंट को पढ़ते थे। अभी तीन चीजें होती हैं, ये आप लोगों को एटलीस्ट इस सेक्शन में लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा अलिश्मा, आपने बाद में जवाब देना है, बाकी स्टूडेंट को मौका देना है। ये तीन चीजें इसमें से बताओ फर्क क्या है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। कोई तीनों में फर्क अगर बता सकता है तो वो माइक्रोफोन ऑन करके बता दे। सर, रे में जो है एरो डायरेक्शन फिक्स होती है और लाइन सेगमेंट में पॉइंट्स होते हैं और जो लाइन होती है वो एंड नहीं हो रही होती है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? वो पॉइंट्स पॉइंट डिटरमाइन होते हैं। नहीं, अच्छी डेफिनेशन है। रे क्या बोला आपने? रे एक डायरेक्शन होती है, उसी में जा रही होती है, एरो बना हुआ होता है। सही है, लेकिन मजे की डेफिनेशन नहीं। कोई और स्टूडेंट देना चाहता है? सर, लाइन सेगमेंट एक लाइन का हिस्सा होता है। सही है। रे? और रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सही है, ठीक है। और लाइन का ना एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये डेफिनेशन अच्छी है भाई। देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट एक एक समझ लो फाइनाइट लाइन होती है, सिंपल लाइन होती है, इनफाइनाइट। अगर मैं आपके सामने एक लाइन बनाऊं, ये वैसे तो इतनी मैंने बनाई है, लेकिन मैं इसको यहां से भी बढ़ाता जाऊंगा, मैं यहां से भी बढ़ाता जाऊंगा अपने मकसद के तहत। अगर मेरी डायग्राम छोटी है तो मैं लाइन को इतना बनाऊंगा, अगर मैं बड़े स्केल पर डायग्राम बना रहा हूं मैं लाइन को बड़ा कर दूंगा। तो लाइन इनफाइनाइट है, दोनों तरफ से बढ़ रही होती है। जो लाइन सेगमेंट होती है वो आपकी दोनों पॉइंट से बेचारी फिक्स होती है, बस ये लाइन सेगमेंट है, ये ना यहां से बढ़ सकती है ना यहां से बढ़ सकती है। और रे क्या होती है, जो एक साइड से फिक्स होती है और दूसरे साइड से वो बढ़ रही होती है। तो असल में यहाँ पे एक एरो होता है, यहाँ पे आपको दो एरो लगाने चाहिए, नॉर्मली कहीं नहीं लगाए होंगे लेकिन होते दो एरो है कि यहाँ से भी बढ़ रहा है यहाँ से भी बढ़ रहा है। अब ये बहुत बेसिक सी बात है। तो बचपन में आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, अब उन्हीं ज्योमेट्रिक कर्व जो है, अब मैंने एक जनरलाइज वर्ड बोल दिया ज्योमेट्रिक कर्व, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, जितने भी ज्योमेट्रिक कर्व हैं सब इसके अंदर सर्किल वर्किल आ जाएंगे। उन ज्योमेट्रिक कर्व और अलजबरा, जो आपने अलजबरिक इक्वेशन पढ़ी थी, इनको आपने कंबाइन कर देना। क्या मैंने बात बोली, अलजबरिक इक्वेशन और ज्योमेट्रिक कर्व, इनको आपने कंबाइन कर देना है। कैसे, जैसे आपने आज तक हमेशा स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, अब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी पढ़ोगे साथ। आप पढ़ोगे कि यार ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेट से इक्वेशन ये है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होंगी जिनकी इक्वेशन ये होगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी ये होगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी ये होगी। तो आप ज्योमेट्रिक कर्व और अलजबरिक इक्वेशन को कंबाइन करके पढ़ रहे हो। या दूसरे लैंग्वेज में आप किस तरह इसको समझा सकते हो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज्योमेट्रिक कर्व को पढ़ते हो यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएंगे जिसपे आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहे होगे, ये काम होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसकी जो बेसिक्स है ना, वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, उमर खयाम, आपने नाम भी सुना होगा, फिजिक्स में काफी सुना है, इनकी एक बुक भी थी अलजबर वल मुकाबला, इस टाइप की बुक थी, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिक जो है वो इन्होंने रखी थी, ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है जो पंजाब बोर्ड की बुक में आया हुआ, मुझे नहीं पता सिंध बोर्ड की न्यू बुक में है या नहीं है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ। वो नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको इसका मतलब समझ आएगा, कार्टेशियन का मतलब, कि कार्टेशियन क्या आ गया यहाँ से एकदम से, वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। ये बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन आप कहो, डेस्कार्ट, इसने असल में बुनियाद रखी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसके नाम पे जो कार्ट है ना, कार्टेशियन ज्योमेट्री, इसी के नाम पे बोला जाता है, ठीक है। तो इससे पहले भी जो बुनियाद रखी है वो उमर खयाम ने रखी थी, जिसने आपको क्यूबिक इक्वेशन के डिफरेंट मेथड बताए थे सॉल्व करने के, और बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, उसने डिफरेंट तरीके बताए थे क्यूबिक इक्वेशन को डायग्राम के जरिए से किस तरह सॉल्व करेंगे। खैर वो अलग टॉपिक है, वो आप लोग फिर सर्च कर लेना। तो ये जो ज्योमेट्री की बुनियाद, जो साइंटिस्ट, जैसे आपको पता होना चाहिए बेसिक साइंटिस्ट के नाम, मैथमेटिशियंस के नाम आपको थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप लोग टीचिंग करोगे या कुछ भी करोगे, किसी चीज का फाउंडर पता होना चाहिए ना यार, किसने निकाला। जैसे कैलकुलस में दो साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यूटन और लेबनीज, इसी तरह इसमें आपने देखा डेस्कार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बुनियाद रखी हुई, आगे तो फिर सब काम करते हैं ना। तो इसी के नाम पे कार्टेशियन ज्योमेट्री आप बोलते हो या एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में, दो यहाँ पे वर्ड यूज होते हैं। देखो ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनके आज ही अगर मतलब समझ लो जिंदगी में मसला नहीं होगा। ये दो वर्ड है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आजकल कंप्यूटर जब से आपका आया है तो ये काम बड़ा आप कर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या वो बताता हूँ। दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एक आप बोलते हैं एनालिटिकली सॉल्व मैंने किया, एक होता है न्यूमेरिकली सॉल्व किया। ये चीजें कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएंगी। आप लोगों का जो अगर आखिरी चैप्टर देखो ना, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड होगा या न्यूमेरिकल मेथड, उसके अंदर आ। तो ये न्यूमेरिकल मेथड क्या है, ये वही चीज है जो अभी बताने लगा हूं मैं।
तो मैं कोई हटके चीज नहीं आपको बता रहा, कहीं ना कहीं वो चीज अभी काम आएगी या यूनिवर्सिटी में काम आएगी, ये जरूर काम आएगी। तो ये न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकली सॉल्व करने का मतलब या एनालिटिकल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जब आप एनालिटिकली सॉल्व करते हो ना तो किसी चीज को ना प्रॉपर आप एक उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते, एक फ्रेम बना रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको कोई भी चीज मालूम कर रही है तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, ड्रॉ करने का आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद जो भी आपने स्ट्रेट लाइन की चीज मालूम करनी होगी वो आप मालूम कर लोगे, एग्जैक्ट चीज मालूम करोगे। एनालिटिकल में आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है, पूरा एक्यूरेट मिलता है, जबकि न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन एक्यूरेट नहीं मिलता, अप्रॉक्स मिलता है। ये जब आप लोग आखिरी चैप्टर करोगे कैलकुलस के अंदर तब भी मैं बात बताऊंगा न्यूमेरिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं। देखो भाई, कुछ इक्वेशन बड़ी मुश्किल होती है सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छे दौर में आप लोग पैदा हुए हो कि यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी बने हुए। वरना अगर मैं आप लोगों को बोलूं यार मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो साइन 46 डिग्री की, और मैं कहता हूँ कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, मैं कहता हूँ आपके पास कंप्यूटर नहीं है, जितनी भी मशीनें साइड पे कर दो और साइन 46 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, आप नहीं निकाल सकते। आप साइन 45 के निकाल सकते हो ट्राइंगल बना के, साइन 46 नहीं निकाल सकते आप वैल्यू, कर लो जितना करना है। तो आप यूज करते हो कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर कहां से आया, कैलकुलेटर के पीछे यही मेथड होते हैं सारे, कि जिस चीज को आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वहां पे हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल अप्रोच यूज करते हैं, जो आप लोग बाद में भी पढ़ोगे डिफरेंट किस्म की अप्रोच है। तो जो कैलकुलेटर आपको आंसर देता है वो कोई एग्जैक्ट नहीं दे रहा होता, उसकी न्यूमेरिकल टेक्निक इतनी एक्यूरेट होती है ना कि वो नियर टू एग्जैक्ट होता है। इस चीज को ध्यान में रखना कि आपने इतना मॉडिफाइड मेथड यूज किया होता है ना न्यूमेरिकल का कि आपको बड़ी अच्छी वैल्यू मिल रही होती है। आप लोग जब बेसिक मेथड पढ़ोगे उससे जब वैल्यू निकालोगे और जो कैलकुलेटर की वैल्यू होगी देखना फर्क होगा उसके अंदर, क्योंकि आपने थोड़ा बेसिक लेवल का मेथड पढ़ा। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो मैंने अभी मास्टर्स का थीसिस किया उसमें न्यूमेरिकली सॉल्व किया है, उस इक्वेशन को आप एनालिटिकली सॉल्व ही नहीं कर सकते जिसको मैं वो सॉल्व कर रहा था, उसको एनालिटिकल सॉल्व नहीं करते, आप न्यूमेरिकल कंप्यूटर के जरिए सॉल्व कर रहे होते हो, और वो इक्वेशन वेदर प्रेडिक्शन में काम आती है, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो बार दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एक एग्जैक्ट आपको देता है, एक आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे रहा होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने बताया इसको, क्योंकि कोऑर्डिनेट जरिए कोऑर्डिनेट बना रहे होते, दैट्स व्हाई इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। ये थोड़ा बहुत नाम छोड़, अच्छा एक और वर्ड, ये आप देखोगे प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि यार एक वर्ड होता है प्लेन, इसका क्या मतलब होता है, पता होना चाहिए। टू डायमेंशन को प्लेन यार आपने नहीं बोलना भाई, आपको सब जवाब आ जाएंगे, बाकी तो रह जाएंगे पीछे। एक प्लेन होता है और एक हम दो किस्म की ज्योमेट्री होती है, एक को आप कहते हो प्लेन ज्योमेट्री, एक होती है सॉलिड ज्योमेट्री। अगेन भाई कोई अपनी तरफ से नहीं बताया, यहाँ पे लिखा हुआ था प्लेन, अगर मतलब आता है तो बता दो, मुझे नहीं आता था दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लेन एक टू डायमेंशन शेप होती है, आप ये समझ लो, और प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आप टू डायमेंशन की शेप पढ़ते हो, सर्किल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, लेकिन जब आप सॉलिड सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब होता है थ्री डायमेंशन के अंदर आप पढ़ रहे हो। तो हमसे एक सवाल पूछा था, एक सब्जेक्ट था मैकेनिकल का, वाइवा हो रहा था, तो सर ने ना एक क्यूब एक ब्लॉक रखा हुआ था, एक स्क्वायर शेप का ब्लॉक था, तो सर ने मेरे साथ ही बैठा था क्योंकि तीन चार लोग एक साथ वाइवा में जाते थे, तो जो साथ बच्चा बैठा हुआ था ना उसने उससे सर ने पूछा कि ये कौन सी शेप है, उसने बोला स्क्वायर, सर ने कहा उठो खत्म, वाइवा खत्म हो गया तुम्हारा नंबर, मतलब कोई आखिरी सवाल उससे पूछे थे, शुरू के दो दिन पूछ लिए थे आखिरी उनको था कि बच्चों वाला सवाल है यार पास कर ही देते हैं अब इसको, उसने बोला स्क्वायर शेप है, सर ने बोला कि गलत बताया। आपको बता सकते हैं कि यार अगर मैं आपके सामने एक ब्लॉक रखूं तो वो स्क्वायर शेप नहीं होगी तो कौन सी शेप होगी? क्यूबिक शेप रखेगी। फिर तुम बोल रहे हो भाई, बाकी उनको मौका दो। क्यूबिक शेप होती है, जो स्क्वायर है वो टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, रियल में अगर आपको कोई स्क्वायर टाइप की शेप नजर आई उसको स्क्वायर नहीं आप बोल सकते, वो क्यूब कहलाया जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप है तो क्यूबॉइड कह रहे हो, सर्कुलर है तो स्फीयर कह रहे होते हो आप। तो ये दोनों ज्योमेट्री में अलग फर्क होता है, प्लेन ज्योमेट्री में आप टू डायमेंशन में डील करते हो, सॉलिड ज्योमेट्री में आप थ्री डायमेंशन में डील करते हो। इन चीजों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। और अगर किसी को शौक हो तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, किसी को अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो जरा इसके बारे में भी सर्च कर लेना, ये जो आप लोग बचपन से पढ़, ये अगेन ये पंजाब बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से कहीं भी नहीं ला रहा क्योंकि मैंने आप लोगों को डिफरेंट बोर्ड्स को कंबाइन करना होता है ना आप लोगों को, ताकि नॉलेज में इजाफा हो। तो ये एक्लूडियन ज्योमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, आप लोग बचपन से जो ज्योमेट्री पढ़ते हुए आ रहे हो वो इसकी वजह से है, बचपन से जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। उसका नाम पूरा मुझे नहीं पता, यूक्लिड कहते हैं, देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। ये इतना इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन था जिसकी बेसिस पे जो भी आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, जो बचपन लेवल पे आपने पढ़ी है वो ये वाली ज्योमेट्री पढ़ते थे जिसमें प्लेन, इसके अंदर दो आती है प्लेन और सॉलिड, तो प्लेन पढ़ा करते थे आप। पर हम जो पढ़ रहे हैं वो अब कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, फर्क है इसमें और इसमें, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं था, बचपन से आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा नहीं था ज्योमेट्री के अंदर। पहले तो शौक उसको इसके बारे में सर्च कर लेना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी है। अब जरा टॉपिक्स पे आ जाओ कि कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं।
कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ना है ना, वो है स्ट्रेट लाइन का, सॉरी स्ट्रेट लाइन का तो चैप्टर है, टॉपिक जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। अब रही बात ये डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोग बहुत पढ़ोगे, जहन में रखना, ये बहुत किस्म के डिस्टेंस फॉर्मूला है। मैं एक साथ लिखवाना नहीं चाह रहा, अगर ई कैट पढ़ा रहा होता तो मैं एक साथ लिखवाता, क्योंकि बच्चों को पहले ही पता होता, आप लोगों को फिलहाल पता नहीं, इसलिए मैं बोर नहीं करना चाह रहा। अभी जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने लगे हो ना, वो बिटवीन टू पॉइंट्स है। अच्छा, ये कोई पहली दफा फॉर्मूला नहीं पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए होगे आप लोग, न्यू बुक अगर पढ़ी हो उसमें फॉर्मूला था, ये कोई नई चीज नहीं है, बस वहां पे शायद डेरिवेशन नहीं पढ़ी होगी आपने। यहाँ पे मैं डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे आप नई नई बातें सीखोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा आपने सीखना है, तो दैट्स व्हाई मैं इसकी डेफिनेशन, सॉरी डेरिवेशन पूरी करवा रहा हूँ। आप लोगों के पेपर में सेकंड लेवल पे डेरिवेशन कोई नहीं आती थी और अभी भी नहीं होगी, मैंने कोर्स देखा तो नहीं है, लेकिन डेरिवेशन होगी नहीं, कैलकुलस में ऐसे कोई डेरिवेशन होती नहीं है, तो डेरिवेशन कोई नहीं होगी। बस मैं वो वाली डेरिवेशन करवाता हूँ जो बच्चों के काम की है, अदरवाइज मैं बोलता हूँ बुक में लिखा हुआ शौक है तो देख लेना उसको, जो काम की है वो मैं करवा देता हूँ। अभी डेरिवेशन करती क्या है कि भाई आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एज्यूम कर लो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, आपको चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी चाहिए होता है आपको, रियल लाइफ में भी जब आप किसी की पोजीशन रिप्रेजेंट करते हो तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, आपके लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका ऑल्टीट्यूड है कि कितनी हाइट के ऊपर है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, कराची जितने भी एरियाज है दुनिया में सबके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ऑल्टीट्यूड है, तो पोजीशन बताने के लिए एक सिस्टम पूरा यूज होता है। इसी तरह अभी हम टू डायमेंशन में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम आप यूज करोगे जाहिर सी बात है, ताकि आपने पोजीशन इनकी बतानी है, इस सिस्टम में होता क्या है, ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक वर्टिकल लाइन होती है। अगर आप अलग अलग देखो ना, तो इस वाली लाइन को आप कहते हो रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। ये क्या होती है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स आपके होते हैं, जिसमें यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जीरो के इस तरफ सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी रियल नंबर लाइन है, इसको आप वाई एक्सिस कह देते हो, अगेन वही जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव होंगे, जीरो के इस तरफ सारे नेगेटिव होंगे। ये जो पॉइंट होता है इसको आप कहते हो ओरिजिन, ये पता होगा आप लोगों को पहले से। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। तो देखो टू डायमेंशन में अगर आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, मैं थ्री डायमेंशन के तो बात नहीं कर रहा, टू डायमेंशन के अंदर, टू डायमेंशन के अंदर अगर आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो आपको दो वैल्यूज बतानी है उसकी। पहली वैल्यू क्या होगी कि यार वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, और दूसरी वैल्यू वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तभी आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो ना उसकी। वैसे आप पोजीशन कैसे बताओगे, एक वैल्यू से पोजीशन नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वैल्यू वैल्यू बतानी है, तो अगर मैं ये पॉइंट बताऊं इसकी भी सेम ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, इसी तरह इसकी भी सेम ही है, इन सब पॉइंट में फर्क क्या है, इनकी हाइट का फर्क है, तो इसका मतलब एक वैल्यू से गुजारा नहीं होगा, आपको दो वैल्यूज बतानी है, तब आप एक्चुअल बता सकते हो पोजीशन, ठीक है। तो दो वैल्यूज आप बताओगे, सबसे पहले आप बताते हो एक्स वैल्यू, इसे जरा देख लो नाम क्या होता है, पहली चीज को आप कहते हो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरी चीज को आप कहते हो वाई कोऑर्डिनेट। अब इनका दूसरा नाम भी होता है, मैं जरा चेक करता हूँ शायद किसी को बताओ एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम पता है, एक्सेलेंट भाई, एब्सिसा होता है, और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। तो ये नाम पता होने चाहिए, सवाल में आ गए तो आप लोग बोलोगे एब्सिसा क्या चीज लिख दी है, तो पता होना चाहिए क्या है। तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। हर जगह आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, दुनिया में भी आप कहीं देख लो, जैसे आप अगर हाइट चीजों की मालूम कर रहे होते हो, तो कभी किसी ने सोचा कि हाइट का रेफरेंस क्या है, मतलब कहां से मालूम करोगे माउंटेन की हाइट, कहां से मालूम करेंगे डिफरेंट चीजों की हाइट, कहां से मालूम करते हैं, पता है किसी को, सी लेवल। एक्सीलेंट, एक मीन सी लेवल अच्छा वर्ड नहीं है, मीन सी लेवल, क्योंकि सी लेवल चेंज होता रहता है, तो एक मीन सी लेवल होता है पूरा दुनिया का, आप सारी हाइट जो है वो मीन सी लेवल से ऊपर मालूम करते हो, तो कितने ऐसे माउंटेन हैं जो मीन सी लेवल से अंदर है, लेकिन हम देख रहे होते हैं उसकी हाइट कितनी है, ऊपर की हम देख रहे होते हैं, तो माउंट एवरेस्ट तभी सबसे हाईएस्ट है क्योंकि वो मीन सी लेवल से ऊपर सबसे ज्यादा है, लेकिन कितने ऐसे माउंटेन जो नीचे हैं, नीचे बहुत ज्यादा है लेकिन ऊपर कम है, वो हाईएस्ट कहलाते नहीं है, लेकिन उनके लिए टॉलेस्ट का वर्ड यूज होता है कि वो बहुत टॉल है, क्योंकि उनकी बेचारे नीचे काफी गए हैं। खैर, तो रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह आपका रेफरेंस है ओरिजिन, यहां से आप हर चीजों को मेजर कर रहे होते हो। दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछी जाती है, उसको जहन में रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट दे देंगे 1, 2, आपसे बोलेंगे कि बताओ ये पॉइंट, बल्कि आप लोग देखते हैं कोई जवाब देता है नहीं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये गलत है ना, तो इस तरह बच्चे गलती कर देते हैं। वन मिनट गलत, मुझे तो पता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं,
अगर आपसे सवाल पूछे ना कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आपने वाई वैल्यू बतानी होती है। मैं डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या मतलब इसका भाई, एक्स वैल्यू क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये एक्स वैल्यू होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये वाई वैल्यू होती है। तो आप देखो, मैं पूछूं इस पॉइंट की पोजीशन मुझे बताओ, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कहोगे ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। यही देखोगे ना, एक्स वैल्यू का मतलब क्या है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। याद रखना, जब आप किसी लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालते हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो, मतलब डिस्टेंस तो डिफरेंट तरीकों के भी निकल सकते हैं, लेकिन आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हो। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार ये पॉइंट और वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप कहोगे सर जितनी एक्स की वैल्यू है, तो इस वाले डिस्टेंस को आपने एक्स का नाम दिया होता है। इसी तरह ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई वैल्यू बताती है आपको। तो एक्स वैल्यू आपको बताती है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई वैल्यू आपको बताती है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसको जरा ड्रॉ करके भी मैं आपको समझा, जैसे 1, 2 कहां पे आएगा, लेट कर लो ये 1 है और 1, 2 ये पॉइंट यहां पे होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, खुद देख के आप लोग बता सकते हो, मैं बोलूं कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आपको डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से 1 यूनिट के फासले पे, ये पूरा फासला 1 है इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, ये पूरा डिस्टेंस 1 के बराबर है। तो 1 आपको बताएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इसी तरह मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आप कहोगे सर ये 2 यूनिट दूर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मालूम करना है, तो जो वाई वैल्यू है वो आपको बताएगी। मेरे जहन में चीज आ रही है, हाँ, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज करते हो ना, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिर्फ ये वाले नहीं होते, और भी बहुत होते हैं, तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ। 2 तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, 1 जो है, और बाकी 2 जो है वो इस लेवल पे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे आपको मिल जाते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको आप बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है साइलेंडिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो कितने ऐसी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो साइलेंडिकल कोऑर्डिनेट में होंगी, तो उसमें बड़ी अजीब अजीब से सिंबल्स यूज हो रहे होंगे, कुछ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। तो अभी बेसिक लेवल पे आपका ज्यादातर तो कार्टेशियन आता है, ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन पोलर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज हुआ है, फर्स्ट ईयर में तो यूज होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आप 2 चीजें बताते हो, लेट्स से अगर पॉइंट यहां पे है ना, अब आप ये वाली चीज और ये वाली चीज ये नहीं बताते, आप क्या कहते हो कि यार ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, ये वाला पूरा डिस्टेंस जिसको आर का नाम दिया हुआ है। अब इस खाली आर से आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेम कोई पॉइंट यहां पे होगा उसका भी सेम आर होगा, तो इसका मतलब एक और चीज भी आपको चाहिए। तो दूसरी चीज क्या होती है, एंगल। एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा। तो देखो इसका थीटा अलग होगा, इसका थीटा अलग होगा। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में बतानी है, तो आप आर थीटा यूज करके बता रहे होते हैं। ये वाले सिस्टम जो है 3 डायमेंशन में यूज हो रहे होते हैं, जो एंड के 2 हैं, तो इसलिए इनको तो फिलहाल स्किप कर दो, नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। बहरहाल अब आगे मूव करते हैं, जो हम डेरिवेशन कर रहे थे ना डिस्टेंस फॉर्मूला की, उस पर आ जाते हैं। होता यह है कि आपको एक पॉइंट यहां पे मिल गया, अब आपने ना, मैं काम करता हूं इसको ना दोबारा बनाता हूं, क्योंकि ये वाई एक्सिस के बहुत ही करीब है, इनके दरमियान थोड़ा फासला करना है। तो एक पॉइंट हम यहां लेते हैं और एक पॉइंट हम यहां लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको कहते हैं, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस जिसको आप वाई एक्सिस कहते हो, ये हो गया भाई ओरिजिन। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जनरल फॉर्म में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो एक्स कॉमा वाई, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब अगर 2 पॉइंट हैं तो अलग अलग आप किस तरह स्पेसिफाई करोगे, इसको आप बोल दोगे कि यार ये एक्स वन वाई वन है, इसको बोल दोगे कि ये एक्स टू वाई टू है, 2 अलग पॉइंट है ना। अब रही बात ये एक्स वन वाई वन यहाँ पे क्या, एक्स टू वाई टू क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन एक्स वन क्या होता है, मैंने बताया था किसी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये यहाँ पे क्या है, ये एक्स वन के बराबर है। अच्छा वैसे मैं एक तरीका आपको बता दूं, अगेन इंजीनियरिंग में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि सबसे घटिया सब्जेक्ट था मेरा, क्यों था उसको बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज मैंने उस सब्जेक्ट में सीखी थी, तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैंने सीखी थी वहां पे। वो चीज क्या थी कि कोई भी आप डायग्राम बनाते हो ना, डायग्राम के अंदर आपने लेबलिंग नहीं करनी होती, बाहर करनी होती है, ये रूल हमने पढ़ा था। तो अगर ये चीज मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं ऊपर इधर एक्स वन नहीं लिखना चाह रहा, मैं नीचे लिखूंगा इस तरीके से,
भाई आप है ना ये इस तरह करूंगा, मतलब इस तरह एक लाइन लगाई एक इस तरह लगाई, नॉर्मली दरमियान में इसके लिख दिया जाता है X1, इस तरीके से मेजर किया जाता है, मतलब इस तरीके से लेबल किया जाता है, डायग्राम के बाहर आपने करना होता है, सही है। अंदर तो हम जब लाइन लगाएंगे तो वो अलग किस्म की लाइन होगी, लेबलिंग वाली नहीं होगी। तो लेबलिंग का रूल क्या होता है, आप बाहर लेबल करो इसको, ये असल तरीका होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में खाली अगर आप जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, अगर आप यहाँ पे X1 लिख दो ना, तो इसका मतलब समझ जाओ आप कि अगर मैं यहाँ पे X1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस X1 के बराबर है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो और आसानी होती है, लेकिन फिर भी आसानी के लिए क्योंकि आगे डेरिवेशन करनी है, तो हम ना इस तरह मेंशन कर देते हैं ताकि बच्चे को मसला ना हो कि पूरा X1 मेंशन कर दिया। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को, और मैं डॉटेड डैश लाइन बना देता हूँ पूरी इस तरीके से, इसी तरह ये जो पॉइंट है इसकी X2 वैल्यू क्या है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, जिसको अगर मैं एक डैश लाइन बना देते हैं पूरी, ठीक है, और नीचे अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिखूंगा, ये पूरा X2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस X2 है और ये पूरा डिस्टेंस X1 है। इसी तरीके से Y1 Y2 पता होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस Y1 है, तो आप खाली यहाँ पे Y1 लिख दो, या इस तरीके से लेबल भी आप कर सकते हो, ये Y1 हो गया, और Y2 क्या है, ये इसकी पूरी हाइट होगी। चाहो तो आप इस तरह ना डैश लाइन पूरी बना दो। अच्छा, तो Y2 की क्या हो जाएगी, ये पूरी Y2 की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लेबलिंग कर रहे हो क्या। तो अब ये दो पॉइंट जो है ये आपके मौजूद थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको असल में करना क्या है, सवाल है डिस्टेंस मालूम करना है, इन दो पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस है, ये आपको मालूम करना है, ये असल आपका सवाल है। अब इसको मालूम कैसे करोगे, ये आपको बेसिकली मालूम करने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे, आपने हमेशा पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में आप लग सकता है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ कैसे, एक लाइन में इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में इस तरीके से बना देता हूँ, मुझे इंटरेस्टेड ये हाइपोटन्यूज है ना, तो मुझे जो चाहिए वो हाइपोटन्यूज की लेंथ चाहिए। हाइपोटन्यूज की लेंथ आप कैसे निकालोगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। Y2 - X2 - X1। एक्सीलेंट भाई, ये देखो पूरा X2 है और ये पूरा X1 है, तो अगर इस पूरे X2 में से अगर मैं X1 निकाल दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। पूरे X2 में से अगर X1 निकाल दोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको भी आप लेबल कर सकते हो, ये पूरा डिस्टेंस है X2 - X1। तो इस वाली साइड की लेंथ मेरे पास आ गई। नॉर्मली जब इसमें एंगल नहीं बना हुआ ना, तो बेस परपेंडिकुलर का वर्ड हम यूज नहीं करते, वो उस वक्त होता है जब आपके अंदर एंगल बना रहे हो, उसकी बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस वाली साइड की लेंथ X2 - X1 है। इसी तरह इसकी निकालो तो ये पूरी क्या हो जाएगी, Y2 - Y1, सेम यही टेक्निक लगा के, सही है। तो अब अगर आप इस राइट ट्रायंगल में देखो, आपको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, आपको हाइपोटन्यूज निकालना है, हाइपोटन्यूज को लेट्स से मैं डी कह देता हूँ, डी फॉर डिस्टेंस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस क्या कहता है, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी अदब करना चाहिए उनका। H² = A² हाँ, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटन्यूज क्या है यहाँ पे, डी, जिसको मैंने डी का नाम दिया हुआ, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, हम बोलते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैटर नहीं करता किसको बेस बोलना है किसको परपेंडिकुलर, बाकी दो जो साइड है ना उनका स्क्वायर करना है आपने। तो एक साइड थी X2 - X1, आप स्क्वायर कर दो, और एक साइड थी Y2 - Y1, इसका स्क्वायर कर दो। रही बात, अब बहुत ही मशहूर जमाना सवाल है, लेकिन मैं अभी इसका जवाब दे रहा, कभी मौका मिला आपको डायरेक्ट टॉपिक आएगा तब जवाब दूंगा इसका। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, आपको पता है जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगा रहे होते हैं। अब इसकी क्या लॉजिक है, क्या कंफ्यूजन है, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, अभी टाइम नहीं है। इन शॉर्ट, प्लस माइनस नहीं आप यहाँ पे लगाओगे, आप जस्ट पॉजिटिव ही लिखोगे क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे, आपने पॉजिटिव वाली चीज कंसिडर करनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन एक चीज की मैं एक और बताता हूँ आप लोगों को अभी, एक सेकेंड, ये पूरा डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको इस तरह भी कभी मेजर कर लिया, मतलब इस तरह भी लिख दिया जाता है कि डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको पता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि आपको पता है इसके रिजल्ट में, मैं बताना चाह नहीं रहा लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला है, मैं इन चीजों को डिस्कस करना नहीं चाह रहा, टाइम लग जाएगा काफी, या कर लूं, कर लो एक सर। सेकेंड कर लेता हूँ, 3-4 मिनट मुझे दे दो, टॉपिक से थोड़ा हट गए लेकिन अटका रहेगा मेरे अंदर ना, मैं जब तक बताऊंगा नहीं। तो ये चीज काफी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, जल्दी से इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे पता चले आप लोगों का लेवल क्या है, इसका आंसर क्या होता है, सबने बताना है, +-2 +-2 only 2 और भी बोलो, only 2 मैसेज में क्या आ रहा है, 2 2 2, चलो खुशी है कि मेजोरिटी 2 बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन मेरे ख्याल में होनी तो नहीं चाहिए, मैंने पता नहीं यूट्यूब की कितनी वीडियोस में क्लियर की है सारी बातें, लेकिन बहरहाल इसका आंसर जो है वो सिंपल 2 के बराबर होता है। उसकी लॉजिक ये होती है कि आपने जो सिंबल है ना, वैसे अगर आपको कोई बोले ना √4 बताओ, अगर कोई स्टेटमेंट दे के √4, तो इसका मतलब होता है कि
ऐसे नंबर बताओ जिनका स्क्वायर 4 के बराबर है, तो आप बोलोगे यार 2 और माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन कोई अगर ये सिंबल देखे आपसे पूछे, इस सिंबल को हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये सिर्फ आपको पॉजिटिव आंसर देगा, इसको आप कहते हो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब इसको हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए क्यों डिफाइन किया हुआ है, वो फंक्शन के पोर्शन में बताऊंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर फंक्शन से रिलेटेड है। अभी के लिए आप समझ लो कि यार ये सिंबल जो है जस्ट आपने पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया हुआ है, इसको आप कहते हो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो अगर इस तरीके से पूछे तो आपने जस्ट पॉजिटिव बताना है, और वैसे अगर कहीं स्टेटमेंट आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो तब तो 2 और माइनस 2 दोनों आप बताओगे। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक बात बतानी चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों ने बचपन में चीज पढ़ी थी, जरा मुझे बताना इन दोनों के आंसर सेम होंगे या फर्क होगा। जनरलाइज लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों के सामने ये चीज लिखूं ना, अब मुझे बताओ, असल में मैंने गलत सवाल पूछा, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ, ये लोग गलती करते हैं, यहाँ बोलते हैं x है, असल मुझे सवाल ये पूछना चाहिए था, इसका आंसर x नहीं होता। हाँ, इसका आंसर मॉड x होता है, वो यही है। वो अगर आपको यहाँ से बात समझ आएगी, जैसे इस वाली एग्जांपल में x क्या था 2 के बराबर, तो आपने लिख दिया सिंपल 2, यहाँ पे x क्या है, x का स्क्वायर ना, यहाँ पे x क्या है माइनस 2, तो क्या इसके आंसर में आपने माइनस 2 लिखा था, नहीं, इसके आंसर में आपने 2 लिखा था। तो याद रखो यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी पॉजिटिव का स्क्वायर भी हो सकता है, किसी नेगेटिव का स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन आंसर में आपको मॉड एक्स ही मिलेगा, मतलब आंसर में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव की आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस वाले केस में आपको नेगेटिव 2 था, आप इसका मॉड लोगे, ये सिंपल 2 हो जाएगा, ये पीछे साइंस चल रही है इसके, जबकि डायरेक्ट हम कह देते हैं 2। तो आई होप, मतलब अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात पता थी, इसके आंसर में किसी ने माइनस 2 नहीं बोला, थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा मैंने आप लोगों को खुद बता दिया। अब इन चीजों को आप कंबाइन कर दो, एक आखिर की जो मसला करती है कि यार ये फिर प्लस माइनस आता है कहाँ पे, बचपन से आप प्लस माइनस देख रहे हो, ये कब प्लस माइनस आता है, ये प्लस माइनस उस वक्त आता है जब आप इस टाइप की वो इक्वेशन सॉल्व करते हो। अब जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या कहते हो, आप कहते हो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, फिर आप क्या कहते हो, अब देखो करेक्ट तरीका क्या था कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉड एक्स, और यहाँ पे आप 2 लिखोगे, प्लस माइनस 2 नहीं लिखोगे, ये वो कंफ्यूजन है जो बच्चों को होती है, रूट 4 यहाँ पे 2 होगा। रही बात प्लस माइनस कहां से आएगा, सर जल्दी बता दें, प्लस माइनस के पीछे एक और तरीका भी है इसका, वो है कि जब आपको इसका फंक्शन पता हो, वो आपको नहीं पता उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ कि जब आपके पास ये मॉड वाली इक्वेशन आ जाए ना, ये इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हो या मॉडुलस भी कहते हो, जब आपकी इक्वेशन में ये एक्स के साथ एक मॉड लिखा हुआ है और आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जो अंदर एक्स लिखा हुआ है और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, और साथ प्लस माइनस लगा दो। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करवाना है, ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगी। एक्स अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव 2 पुट करोगे तब भी आंसर 2 के बराबर आएगा, और अगर एक्स आप यहाँ पे नेगेटिव 2 पुट करोगे तब भी ये 2 के बराबर आएगा। तो दैट्स वाई अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना अल्जेब्रिकली, तो आप ये पूरे स्टेप्स करके सॉल्व करोगे, वरना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि नंबर का स्क्वायर 4 के बराबर है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर 2 होगा और माइनस 2 होगा, लेकिन अगर अल्जेब्रिकली स्टेप आपने करने हैं ना, तो फिर ये पूरी इसकी लॉजिक होगी कि आप इस तरह सॉल्व कर रहे होते हो, मॉड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरह हम लिखते हैं। तो ये प्लस माइनस की टेक्निक है, जो कि डायरेक्ट इस वाले स्टेप से ना बच्चे इस स्टेप पे आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचना कि रूट 4 का आंसर मैंने प्लस 2 लिखा है, कुछ लोग ना इस वाले स्टेप से भी आ जाते हैं, इस वाले स्टेप से इस पे आ जाते हैं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, आप इस वाले स्टेप से डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हो, दिमाग में क्या है वो मैटर करता है। अगर आपके दिमाग में यह कि रूट 4 का आंसर मैंने प्लस माइनस 2 लिखा है और इसका आंसर मैंने x लिखा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट खराब है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये पूरी चीज है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, सॉल्यूशन गलत नहीं होंगे दोनों केसेस में, असल बात है कि आप समझ के आ रहे हो, ये पूरी लॉजिक है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो अब जरा यहाँ पे आओ, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा सही है, तो ये डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड डी के बराबर होगा, ये असल में बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह भी लिखा जाता है या कभी खाली डी का भी लिखा जाता है, लेकिन जब खाली आप डी लिखोगे ना तो आप पॉजिटिव लिखोगे, ये ध्यान में रखो, क्योंकि आप उसके नेगेटिव वाली वैल्यू लोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव भी आता है वो मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन इस वाले केस में आप कहोगे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप दैट्स व्हाई हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव लिखा करोगे, सही है। तो ये वाला सिंबल भी आपको नजर आ रहा होता है, ये भी खाली लिखा जा सकता है, डिफरेंट तरीके हैं, मैंने साइड की चीजें भी आप लोगों को बता दी हैं, टॉपिक देखो क्या था, कहाँ से लेके, आप पहली क्लास में आप लोगों ने जो बातें सीखी हैं वो मतलब बहुत ज्यादा है, तो एब्जॉर्ब कर लेना इनको, जगह है इसके भी। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। सर ये मॉड्यूलस वाला स्टेप क्लियर नहीं हो रहा यहाँ, मतलब x square is equal to 4 आपने किया, ये जो मॉड्यूलस x is equal to 2 आ रहा है, इसके बाद ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना,
भाई देखो, जो भी मॉड वाली इक्वेशन होती है ना, लेट्स से अगर आपके सामने मैं लिख दूं मॉड एक्स इज इक्वल टू 10, बोला जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वैसे देखो ढंग का तरीका जो है ना, मैंने वो बताया ऐसे नहीं क्योंकि फंक्शन नहीं आप लोगों को पता, ढंग का तरीका है कि प्लस माइनस यहाँ पे आता है, उसके बाद अब इस प्लस माइनस को बेशक शिफ्ट करवा दो वहां पे, असल तरीका ये। अब आप लोगों के साथ प्लस माइनस यहाँ पे कहां से आया, क्योंकि आप लोगों को मॉड का फंक्शन नहीं पता ना, इसलिए मैं डिटेल में जाना नहीं जा रहा, तो मैंने दूसरे एक तरीके से बताया आपको। वो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सा आप समझो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है कि कौन सी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी किस वैल्यूज के ऊपर, ये होता है ना सॉल्यूशन का मतलब। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव 10 पुट करोगे तो पॉजिटिव 10 की मॉड वैल्यू भी क्या होती है, 10 के बराबर, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और अगर आप यहाँ पे माइनस 10 पुट करोगे तो माइनस 10 की मॉड वैल्यू भी क्या होती है, 10 के बराबर, दैट्स व्हाई। तो तभी मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस 10 और माइनस 10, मतलब 10 भी हो सकता है और माइनस 10 भी हो सकता है, कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो आंसर मिल रहे होते हैं, क्या मतलब है दोनों का, कि भाई अगर ये वाली वैल्यू पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, अगर दूसरी वैल्यू पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी, उसी बेसिस पे किया मैंने पूरा। देखो यहाँ पे पंजाब बोर्ड में चीज मेंशन है, अगेन सिंध बोर्ड की न्यू बुक जो है उसमें टॉपिक्स तो उन्होंने बहुत ज्यादा डाल दिए, लेकिन कुछ चीजों को ना डिटेल में बताया नहीं है। वो क्या है कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी होती है, ये आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, अब वो टॉपिक इंक्लूड होगा शायद इसी चैप्टर में होगा। एक को आप कहते हो डायरेक्टेड डिस्टेंस और एक होता है अनडायरेक्टेड डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ये आपको अनडायरेक्टेड डिस्टेंस देता है। अनडायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपको जस्ट डिस्टेंस मिलेगा, आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन का क्या मतलब है, डायरेक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो पॉइंट है तो डिस्टेंस की डायरेक्शन ये वाली आप ले रहे हो या डिस्टेंस की डायरेक्शन आप ये वाली ले रहे हो, ये दो अलग किस्म की डायरेक्शन है ना। ये अच्छी चीज पता है आपको कहां पे पता चलेगी, अब एक टॉपिक आप लोग आगे पढ़ोगे उस वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसको आप बोलते हो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस, एक पॉइंट होगा एक लाइन होगा। तो अब डिस्टेंस तो सिंपल ये है, मतलब अगर नीचे पॉइंट हो तब भी डिस्टेंस ये होगा, अगर ऊपर पॉइंट होगा तब भी डिस्टेंस ये होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट में फर्क है, एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर है। तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि पॉइंट जो है वो लाइन के नीचे है, और अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो समझ जाओगे पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है। अब आप लोग आओगे सर डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसे कितने फॉर्मूले हैं जिसमें डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस बताते खुद नेगेटिव नहीं हो सकता, जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन क्या है इसकी। तो इस वाले केस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो आपको बता रहा है कि डिस्टेंस तो लेट से 5 ही है लेकिन ये पॉइंट लाइन के नीचे है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर है। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाली डायरेक्शन हो सकती है या ये वाली डायरेक्शन हो सकती है। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपको दे ही नहीं सकता, ये तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही आंसर देगा, आप कुछ भी कर लो नेगेटिव मिलेगा ही नहीं आपको यहाँ। यहां से एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये बड़ा मशहूर सवाल है जो बच्चे पूछते थे, क्योंकि बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होगा। हाँ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं एक्स वन माइनस एक्स टू कर दूं तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो पहले होना था वही होगा। आप इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, लिख दो भाई कोई फर्क नहीं होगा, सेम आंसर आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आया है। आप एक्स टू माइनस एक्स वन करो या एक्स वन माइनस एक्स टू करो, स्क्वायर है। लेट से एक्स टू माइनस एक्स वन का आंसर 5 है, एक्स वन माइनस एक्स टू का आंसर माइनस 5 होगा, लेकिन जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप पोजिशन चेंज कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक्स वन वाई वन था और ये आपका एक्स टू वाई टू था, तो पहले डायरेक्शन अगर ये थी आपकी और फिर लेट से आप पहले आपने एक्स टू पुट किया था ना, बाद वाला पॉइंट पुट किया था, अब आप पहले वाला पॉइंट पुट कर रहे हो, अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आप ये समझ लो अब आपकी डायरेक्शन ये है। तो ये फॉर्मूला तो दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर दे रहा है, ये अलग नहीं आपको देगा, ये सेम ही आंसर देगा। अगर आप पहले वाले पॉइंट को यहाँ पे पहले पुट करो या दूसरे वाले पॉइंट को पुट करो, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, कहां से लेके कहां पे आप जा रहे हो। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट आपने लिया था एक्स टू को, तो इनिशियल से फाइनल पे आप जा रहे थे, जबकि यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट होता है ना उसको आप पहले लिखते हो। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट आपने एक्स वन को लिया, तो यहाँ से लेके इस तरह जा रहे हो आप, लेकिन ये फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा, फॉर्मूला तो सब केसेस में आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा। तो अगर आपने डायरेक्टेड डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो यहाँ पे वेक्टर आप मालूम कर रहे होगे, अगर इसका वेक्टर मालूम करोगे, वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसी तरह इस पर अप्लाई करोगे, ये वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, आप लोग खुद सर्च कर लो, लेकिन मैं एक ना आपको टॉपिक बता रहा हूँ पूरा, कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको हमेशा अनडायरेक्टेड डिस्टेंस देगा, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे एमसीक्यूज भी बन सकता है,
कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये वाला हमेशा अनडायरेक्टेड डिस्टेंस देगा, डायरेक्शन नहीं आपको दे रहा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप डायरेक्शन निकालें तो वेक्टर निकालोगे, अगर किसी का फर्स्ट ईयर में वेक्टर उसने सही तरीके से पढ़े हैं तो उसको आइडिया होगा, वरना बाकी उनको आइडिया नहीं होगा। कि अगर मैं इस वाले केस में वेक्टर निकालूं तो वेक्टर होगा x2 - x1, y2 - y1, वेक्टर को राउंड ब्रैकेट में भी आप लिखते हो। अब ये टोटली उस बंदे के लिए गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ जिसने सही तरीके से वेक्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, वरना ये बात समझ नहीं आएगी और उनसे दोबारा पूछना नहीं, क्योंकि जब आपने वेक्टर सही नहीं पढ़ा मैं दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। और इस वाले केस में अगर आप वेक्टर निकालोगे तो वेक्टर होगा x1 - x2, y1 - y2, ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो आपको पता चल रहा है डायरेक्शन का, जबकि यहाँ पे करोगे यहाँ पे फर्क ही नहीं पता चलेगा आपको। तो डायरेक्शन अगर आपने निकालनी है तो आप वेक्टर वाला यूज करके मालूम कर सकते हो कि डायरेक्शन क्या है, जबकि इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्शन नहीं मिलेगी, अनडायरेक्टेड डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। कोई सवाल है आप पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आप लोगों की बुक में मेंशन है, उसको आप कहते हो सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा मुझे नहीं पता ये नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ नहीं किया हुआ, मैं देख लेता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला नाम मेंशन, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बाद में आएगा, नहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ ऐसे। इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हो आप। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज करते हो, इस फॉर्मूले का मेन मकसद क्या होता है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी है, और इस लाइन सेगमेंट को कोई कट करता है, लेट से यहां पे एक पॉइंट है जिसने कट किया है, x1 - y1 x2 y2 सब लेट कर लेना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले का मकसद क्या है, कि किसी पॉइंट ने एक लाइन सेगमेंट को कट किया, वो कहीं से भी कट कर सकता है, वो दरमियान से भी कर सकता है, उधर से इधर से कहीं से भी कट कर सकता है। तो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया ना उस लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करना है, इसके लिए यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। दोबारा बताता हूं कि जिस पॉइंट ने गिवन लाइन सेगमेंट को कट किया है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए आप यूज करते हो सेक्शन फॉर्मूला, ये मकसद है इसका। ठीक है, इसके लिए आपको मजीद एक तो ए और बी पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको रेशो पता होना चाहिए कि किस रेशो में डिवाइड किया, उस रेशो को आपकी बुक कहती है एम और एन। पुरानी बुक में एम वन एम टू होता था, लेकिन हम न्यू बुक के साथ जाते हैं कि रेशो एम एन। अब रेशो का क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो कि आपके पास जो पूरी जो एक फॉर एग्जाम्पल लकड़ी थी, वो बचपन में एक एग्जाम्पल मुहावरा था ना, ये पत्नी स्टोरी थी कि बाप बेचारा पत्नी मर रहा था बिस्तर पे था, क्या हुआ था उसको, तो अपने बच्चों को बुलाता है, कहता है लकड़ी को तोड़ो, एक एक लकड़ी थी सबने तोड़ दी, फिर उसने पत्नी जमा बहुत ही फारिग था, सब पत्नी काफी ज्यादा लकड़ियां थी उसको जमा किया, अब बोलो मिलके तोड़ो नहीं टूटे, तो बताना चाह रहा था कि इतिहाद से रहना है, तो सीधा बोल देता। खैर तो उसमें तोड़ने की बात आई थी ना, तो वही चीज है, लेट से आपके पास एज्यूम कर लो कि 9 यूनिट की लकड़ी है, या कोई भी स्टिक है, स्टील की रॉड है, एल्यूमिनियम की है, जो भी है, आप उसको यहां से कट करते हो, मतलब ये जो लेंथ है इसकी दो पीसेस में डिवाइड होगा ना, एक पीस की लेंथ 6 है, एक पीस की लेंथ 3 है, लेट कर लो यहाँ पे इस वाले को ए बोल दो, इसको बी बोल दो, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसको सी बोल दो। तो मुझे ए और बी पॉइंट पता होना चाहिए, एक बात, दूसरी बात मुझे रेशो पता होना चाहिए। अभी ये रेशो नहीं है, इसका रेशो आप निकालोगे, इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ है 3, आप इसका रेशो निकालो, रेशो क्या होगा, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये सिंपल हो जाएगा 2:1। तो ये जो एम और एन लिखे हुए ना, ये रेशो है, जिन दो हिस्सों में टूटेगा ना, उन दो हिस्सों की जो लेंथ है उनका आप रेशो निकालोगे, उस रेशो को आप एम इज टू एन कह रहे हो, पढ़ते किस तरह, एम इज टू एन, ये रेशो को पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब ए और बी पॉइंट और रेशो, तो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से निकाल सकते हो। इतना आसान टॉपिक नहीं है अब ये, इसके बाद मैं फॉर्मूला डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला अगर मैं डिस्कस करूंगा कितनी बातें मिस हो जाएंगी, क्योंकि डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट मेरा मतलब काफी चीजें सीखोगे, पेपर में नहीं आएगी, सीखने वाली बात कर रहा हूँ। तो खैर मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको आप कहते हो इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो ए और बी के दरमियान में कहीं बिटवीन है, दरमियान में भी मतलब बिल्कुल सेंटर में भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी होगा। एक होती है एक्सटर्नल डिवीजन, जो कि अब रियल लाइफ में आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन ऐसे कोई वो होती नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब जो गिवन लाइन सेगमेंट है ना उसके दरमियान से वो कट नहीं कर रहा, उसको बाहर से कट कर रहा है। अब वो पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है, वो पॉइंट सी यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाली सिचुएशन है, मतलब जो पॉइंट कट कर रहा है अब वो ए और बी के कहीं दरमियान में नहीं है, वो बाहर है, इसको आप कहते हो एक्सटर्नल डिवीजन। तो सेक्शन फॉर्मूले में दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन। ये जो एम होता है ना, ये एम क्या होता है, जो पहला हिस्सा आपके पास आया ना उसको एम कह रहे होते हो। तो अगर एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, पहला हिस्सा कैसे पता चलता है, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए होता है, डिवाइड किसने किया, सी, तो ए से लेके सी तक जो हिस्सा है उसको आप एम कह रहे होते हो ना, मतलब रेशो लिखोगे एम कह रहे होगे।
तो यहाँ पे ए से लेके सी क्या है ये पूरा, तो यहाँ पे ये पूरा एम है। इसी तरह एन क्या होता था, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उससे लेके जो एंड वाला पॉइंट है बी, तो यहां से देखो सी से लेके डी तक ये पूरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस वाले डायग्राम में ये पूरा एम है, ये पूरा एन है। अब आज उसके डेरिवेशन, और उसके डेरिवेशन में बहुत चीजें आप लोग सीखने वाले हो, तो गौर से सीखना। अगर आप लोग थक जाओ ना तो बता देना कि सर हम थक गए हैं, पकाए नहीं आप। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, यही तो काम करना है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा एक कोऑर्डिनेट पहले मैं बनाता हूँ, चलो मैं बना लेता हूँ पहले। एज्यूम कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस लाइन सेगमेंट को लेट से यहाँ पे सी ने कट किया, इसको आप सी कह दो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इसकी। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि डायग्राम में जगह नहीं है। ये है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स आप लेट कर लो एक्स टू वाई टू, सी के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। डेरिवेशन इसकी क्या है कि यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसको ना यहाँ से मिला दो, इसको भी यहाँ से मिला दो, इसको भी यहाँ से मिला दो। उसके बाद क्या करो, दो ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। लेबलिंग देना चाह रहे हो, नाम देना चाह रहे हो, लेट से दे देते हैं अपनी तरफ से। इसको मैं डी बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं डी ई कह देता हूँ लेट से। ये दो ट्राइंगल आपने यहाँ पे बनाए, यहां तक तो किसी को मसला नहीं होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लाइन सेगमेंट थी, बस मैंने इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया जैसे डिस्टेंस फॉर्मुला में आपने किया था। इसी तरह एक ट्राइंगल आपने यहाँ पे बना दिया। अगर आपको बताओ ये सी ने डिवाइड किया तो ये वाला पूरा एम है, मतलब ये पूरी चीज एम है और ये पूरी चीज एन है। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी ए से लेके सी तक एम, सी से लेके बी तक एन, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा देखो सिमिलर ट्राइंगल का एक केस तो आप लोग अभी डेरिवेशन में देखोगे, वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं कंप्लीट बात बता देता हूँ, बाकी दो केस भी होते हैं इसके जिससे आप पहचानते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। मैंने कहा बात पूरी कंप्लीट हो जाए। देखो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप सिमिलर ट्राइंगल को इस तरह समझो जैसे शेप उनकी सेम होती है लेकिन साइज उनका डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक अगर आप शॉप पे जाते हो ना कोई जूते परचेज करने, आपका लेट से साइज 8 है और आपको 10 नंबर का जूता दिखाता है वो, तो 8 और 10 नंबर का जो जूता है ना, जो शूज है, जो भी आप कह लो, तो उसमें जो फर्क होता है ना, वही फर्क सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर होता है कि यार शेप सेम होती है उसकी लेकिन साइज का फर्क होता है। यही चीज आप सिमिलर ट्राइंगल पे भी लगा दो कि शेप आपको सेम ही नजर आएगी, साइज का फर्क होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल, बड़ी मशहूर जमाना एग्जाम्पल है, कैज्यूम कर लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड सारी इक्वल होती है। तो लेट से अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, तो अगर मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाऊं, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एज्यूम कर लो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इन दोनों को आप बोलोगे सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है। अच्छा शेप सेम है लेकिन साइज का इनका फर्क है, तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है। वैसे अगर आप सिमिलर ट्राइंगल में देखो तो दो खसूसियात आप हमेशा देखोगे। पहली क्या होती है कि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। आपस में इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि ये सारे इक्वल होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट ट्राइंगल डिस्कस करते हैं, एज्यूम कर लो एक एंगल यहाँ पे, मैंने डायग्राम वैसे ऐसी बनाई तो नहीं है, मैं थोड़ी ऐसी डायग्राम बनाता हूँ जिसपे आप लोगों को भरोसा भी हो जाए। लेट से एज्यूम कर लो 60 है, ये 30 है और ये 90 होगा। इसी तरह मैं एक और बनाता हूँ, अगेन ये 60 है, ये 30 है, 90 होगा। अब अगर आप देखो तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। मैंने आप लोगों को साइड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने जस्ट एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप देखोगे सिमिलर ट्राइंगल के दरमियान हमेशा एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, 90, 90। तो जो भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, पहली बात। और जो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं 60 60 60 60 60 60, ठीक है। अब ये नहीं देखे ना कि आपस में सारे इक्वल नहीं होते, लेकिन इस तरह इक्वल होंगे, इधर जो एक आपको 60 मिल गया तो लेट से यहाँ पे भी 60 होगा, लेट से अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी एक 50 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी आपको एक 70 मिल जाएगा। तो एक खासियत तो ये होती है सिमिलर ट्राइंगल के अंदर। दूसरी ये होती है कि उनकी जो साइड्स होती है ना, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। अभी फिलहाल करस्पॉन्डिंग का मतलब छोड़ो, जो साइड्स होती है ना उनका एक फिक्स रेशो के अंदर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ रैंडम आपको, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसको इसको थोड़ी बड़ी साइड बनाते हैं, इस तरह करते हैं। तो लेट से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसको हम कह देते हैं 6, इसको हम कह देते हैं 8, इसको हम कह देते हैं 10, लेकिन ये तो राइट ट्राइंगल बनेगा फिर। हाँ वैसे राइट ट्राइंगल ही बना हुआ है तकरीबन, अगर आप देखो ना तो राइट ट्राइंगल ही बन रहा है, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो एज्यूम कर लो एक ट्राइंगल की मैं आपको साइड दे देता हूँ, एंगल के बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। इसी तरीके से इसका सिमिलर ट्राइंगल मैं आपको देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसे पता चला वो सिमिलर है। एज्यूम कर लो यही कंडीशन है,
ठीक है, एज्यूम कर लो, एज्यूम फॉर एग्जांपल, एक सेकंड मैं देखता हूँ क्या करना क्या है। हम एक काम करते हैं कि इसको, हाँ तो उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा 9, अच्छा ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। अब लेट से मैंने आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे समझ आएगी। 81 इसका स्क्वायर करो 144, 81 और 144 क्या हो जाएगा सिंपल 225, और 225 का रूट क्या होता है 15, सेम ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। बहरहाल मैं भी एंगल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इवन ये राइट ट्रायंगल ना भी हो, रैंडम कोई दो ट्रायंगल मौजूद है, आपको पता कैसे चलेगा? एक तो पता करने का तरीका होता है कि एंगल अगर इक्वल है, वैसे मैं पता करने का तरीका बाद में बताता हूँ कि कितने तरीकों से, तीन तरीके जिससे आप मालूम करते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है नहीं। अभी असल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना, उनके अंदर दो खसूसियत होती है। जैसे सिमिलर ट्रायंगल थे, इनके एंगल सारे इक्वल होते हैं, एक तो मैंने खसूसियत बताई है, दूसरी मैंने बताई कि इनके साइड का रेशो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे आप यहाँ पे अगर किसी का भी रेशो निकाल सकते हो, 6/9 या 9/6 आपकी मर्जी, 6/9 इसी तरीके से, 8/12 इसी तरीके से, 10/15 आप देखो रेशो फिक्स है, 2/3 2/3 2/3, तो हमेशा सिमिलर ट्राइंगल में आप देखोगे रेशो जो है वो सेम रहते हैं। जब आप ट्राइंगल का रेशो निकाल रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा वो सेम है, यहाँ पे भी आपको नजर आ जाता 5/1/2 है, 5/10 5/10 5/10, तो यहाँ पे भी आपको बात अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आपने देख लिया सिमिलर ट्रायंगल, सेम शेप होती है, साइज उनका डिफरेंट होता है। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर लाजमी आप दो बातें देखोगे, एंगल सारे इक्वल होंगे, साइड्स का रेशो जो है वो हमेशा सेम रहेगा। रही बात कि आप के पास जो सवाल है ना, वो दो तरीकों से आता है, या तो आपसे पूछते हैं कि पता करो ये सिमिलर ट्रायंगल है, दूसरा होगा कि आपको बोलेंगे सिमिलर है और किसी अननोन की वैल्यू निकालने को बोल देंगे। सबसे पहली बात कि पता कैसे चलेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज जो है ना पता करने के लिए, उसको आप कहते हो ए ए सिमिलैरिटी। ए ए सिमिलैरिटी का मतलब कि एंगल एंगल, आप किसी भी दो ट्राइंगल में देखते हो कि अगर उनके दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वली होगा क्योंकि सम 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसको मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको एक जनरलाइज लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं बाद। लेट कर लो एक ट्राइंगल इस तरीके से मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे ना एक इस तरीके से एक बना देता हूँ, एक मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इसी तरह एक मैं ना इस तरह कर देता हूं, ये जो सिंबल मैंने यहां पे लगाया इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो एंगल है सेम एंगल यहां पे लिखा होगा, लेफ्ट से अगर यहां पे 50 नजर आ रहा है आपको, यहां पे भी 50 नजर आ रहा है, तो एक एंगल इनका इक्वल है। इसी तरह यहां पे लेट से फॉर एग्जाम्पल 88 नजर आ रहा है, यहां पे भी 88 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दो, मतलब इस दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो है वो इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल होंगे तो लाजमी सी बात है तीसरा एंगल जो है वो भी इनका इक्वल होगा। ये असल में सिंबल होता है इक्वल का, मतलब तीन लाइनें लगाई हुई है, इसका मतलब इसमें भी तीन है तो ये आपस में इक्वल है। डिफरेंट तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में आप देखो कि दो एंगल इक्वल है ना, तो समझ जाओ तीसरा एंगल भी इक्वल होगा और वो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाए जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरा तरीके से कैसे पता चलेगा, उसको आप कहते हो एस 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 सिमिलैरिटी। इसका मतलब कि तीनों साइड का जब आप रेशो निकालोगे ना, तो रेशो उसका फिक्स आ रहा होगा, रेशो सेम आ रहा होगा। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली मैच करते हुए नजर आए, कभी ऐसा होता है कि ट्राइंगल को रोटेट कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट करवा दिया जाता है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ राइट ट्राइंगल के अंदर अच्छे तरीके से बना सकता हूँ मैं एग्जाम्पल को। लेट्स से अगर मैं इस तरह देता हूँ, ये 60 है, ये 30 है, और अगर मैं एक राइट ट्राइंगल इस तरह बनाता हूँ, तो एज्यूम कर लो ये 30 है, ये 60, दिखने में चाह रहा हूँ दिखने में तकरीबन आपके साथ सेम लगे, वैसे फर्क नजर आ रहा होगा इसमें, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब आप, जरूरी नहीं होता कि आपने देखना होता है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही होना चाहिए, कभी ये होता है कि ट्राइंगल को रोटेट कर दिया जाता है तो आपके पास सेम वही चीज आ रही है। जैसे अगर आप इस ट्राइंगल को रोटेट करोगे ना, तो ये इस टाइप की शेप बन जाएगी, कुछ इस टाइप की, जब आप इसको रोटेट करोगे सर, फिर आप इसको रिफ्लेक्ट करवा देना, रिफ्लेक्ट करवाओगे तो अगेन आपको इस टाइप की ना शेप मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आपने देखना है कि यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 होना चाहिए, ये शर्त नहीं होती। शर्त क्या होती है कि अगर यहाँ पे 30 और अगर कहीं भी आपको 30 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एक एंगल इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे 60 और आपको कहीं भी और 60 नजर आ रहा है, इसका मतलब दो एंगल इक्वल है, और जब दो एंगल इक्वल है तीसरा भी इक्वल होगा, तो आप उन ट्राइंगल को बोलोगे कि वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो इस चीज को जहन में रखना, कभी आपको टेढ़े मेढ़े नजर आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मुझे मिली थी और इससे मैं ये एस 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 वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर करूंगा। इस टाइप के ट्राइंगल उन्होंने बनाए हुए थे, इसको भी जरा देख लो, ये चीजों का थोड़ा फर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, वो उस किस्म के एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला था ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। इसी तरीके से एक और ट्राइंगल ये वाला मौजूद था, और इसमें
समझ लो कि ये सिचुएशन पूरी गिवन थी, यहाँ पे थोड़ा एंगल ज्यादा करते हैं, और ये बना देते हैं, ठीक है। और इसको लेवल क्या गिवन है, 5, 7.5, 10। अब ये दो ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, दिखने में अगर कोई बच्चा इस चीज को समझेगा कि यार एग्जैक्टली दोनों की मतलब शेप सिमिलर होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हो सकते, जैसे यहाँ पे है इसी शेप को स्केल करके ये बनाया हुआ है, तो हमेशा इस तरीके से आपके पास सवाल नहीं आएगा, आपके पास सवाल इस टाइप का भी आ सकता है कि एग्जैक्टली शेप नीचे कॉपी नहीं हुई होगी, शायद रोटेट किया होगा उन्होंने, कुछ किया होगा उसके साथ। तो इस चीज को ध्यान में रखना, आपने चेक करने का तरीका क्या होता है, आप एंगल चेक करते हो सबसे पहली चीज, अगर ये एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आप फिर देखते हो साइड साइड साइड, कहने का मतलब आप रेशो निकालते हो और आप देखते हो क्या रेशो सेम आ रहा है, अगर तीनों साइड का रेशो सेम आ रहा है इसका मतलब वो ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगली बात कि यार किसका किससे रेशो निकालेंगे, मैं 8 का 5 से निकालूं, मैं 4 का 10 से निकालूं, या लेट से मैं 6 का 5 से, 6 का 7.5 से किससे निकालूं, कितनी दफा थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी समझ आ रही तो रेशो निकाल के देख लो जिसपे वर्क कर रही है आपकी चीज। जैसे यहाँ पे तो आपको समझ आ जाएगी कि जैसे ये सबसे छोटी है ऑल साइड मतलब सब में, तो यहाँ पे भी आप देखो सब में छोटी साइड कौन सी है 5, इसी तरह दरमियान वाले नंबर पे कौन सी है ये वाली, तो आप देखो यहाँ पे दरमियान वाली कौन सी है, तो इस तरह भी चेक कर सकते हो, या अगर मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप फिर रेशो निकाल के भी चेक कर सकते हो। जैसे आप देखोगे 6/5 लेट से इसका आप इससे निकालना चाह रहे हो, 4/7.5 आपको देखने में लगेगा रेशो इक्वली नहीं आ रहा यार, तो उस तरह भी आप कर सकते हो, खैर इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो जैसे इसमें अगर आप चेक करो, आपको चेक करना हो कि ट्राइंगल सिमिलर है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे 4/5, अच्छा जी, फिर आप करोगे 4 के बाद वाली साइड 6 है, 6/7.5, इसी तरह आप करोगे 8/10, अगर ये आपस में बराबर है इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर साइड का रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब वो सिमिलर ट्राइंगल है। ये चेक करने की चीज है कि दो ट्राइंगल लिखे हुए हो, एंगल है तो इससे चेक कर लो, साइड है इससे चेक कर लो, डेफिनेशन में तो यही है ना कि सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड का रेशो होता है, तो ये दो चेक करने का तरीका भी होता है कि आप एंगल देखो, अगर एंगल इक्वल है दैट्स इट, वो सिमिलर ट्राइंगल है, साइड का रेशो देखो अगर नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड। एक तीसरा तरीका भी होता है जिसमें आप ये दोनों चीजें देख नहीं सकते, तो उस तरीके से भी आप चेक करोगे क्या वो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रेशो सेम है, 7.5 को आप लिख सकते हो 15/2, नीचे वाला 2 ऊपर ले जाओ तो 12/15 हो जाएगा, तो आप देखो 4/5, 4/5, 4/5 रेशो फिक्स है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है, इस तरीके से आप चेक कर रहे हो। और तीसरा तरीका होता है जिसको आप बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी, इसका मतलब होता है ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक होता है ना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, ये उस किस्म की थोड़ी बातें, वहां पे मैंने बताया था सिमिलर ट्राइंगल के अंदर भी ये चीजें यूज होती हैं। पर साइड एंगल, साइड का मतलब ये कि अगर आप किसी ट्राइंगल में देखो कि दो साइड गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो अब कैसे पता चलेगा वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है नहीं, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। लेट से आपके पास एक ट्राइंगल इस तरीके से मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि ये एंगल 50 डिग्री है, ये दे देते हैं 4 है और दे देते हैं ये 5 है, अच्छा जी, फिर आप आ जाओ यहाँ पे लेट से कुछ इस किस्म की, अब अगेन रोटेट वो सब चीजें कर सकते हैं लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा फिलहाल, मैं एग्जाम्पल बनाने में टाइम लग जाएगा मुझे। लेट से एज्यूम कर लो ये 50 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इसको आप इस तरह कह सकते हो, मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ लेकिन चलो सिंपल ही रखते हैं, बात समझाना चाह रहा हूँ मैं सब। लेट कर लो दो ट्राइंगल आपके सामने मौजूद है और आपको चेक करना है सिमिलर है नहीं, आप पहली चीज देखोगे पहले से तो मालूम नहीं हो सकता क्योंकि एक ही एंगल गिवन है दोनों के अंदर, कैसे मालूम करोगे, अच्छा फिर आप कहोगे रेशो निकालता हूँ साइड के, वो भी नहीं निकाल सकते, दो साइड गिवन है, तीसरा साइड का रेशो कैसे निकालोगे नहीं पता, फिर आप जाओगे तीसरी चीज के ऊपर, यार अगर साइड एंगल साइड गिवन है इससे मैं जज कर सकता हूँ, जज कर सकते बिल्कुल, कैसे, सबसे पहली बात साइड एंगल, साइड का मतलब दो साइड के दरमियान का एंगल जिसको आप इंक्लूडेड एंगल कहते हो, तो पहली बात इंक्लूडेड एंगल इनका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट आप ज्योमेट्रिक शेप में जब कोई चीज इक्वल होती है ना उसके लिए कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करते हो, तो एंगल तो इक्वल है, अच्छा अब आप दोनों साइड को देखोगे उन साइड का रेशो सेम होना चाहिए, जैसे 4/8 रेशो क्या होगा 1/2, 5/10 रेशो क्या होगा, डिविजन करके क्या होगा 1/2, 1:2, जिस भी फॉर्म में आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आप देखोगे कि साइड का रेशो मतलब दोनों साइड का रेशो इक्वल है आपस में और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल है। अच्छा ये तो आपने देख लिया कि भाई सिमिलर ट्राइंगल है नहीं, किस तरह आप चेक करते हो, एक सिंबल भी होता है सिमिलर ट्राइंगल का, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, एक वेव इस टाइप की बनाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल डी ई एफ,
मतलब एबीसी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है डीईएफ के। बहरहाल तो लेट से अगर आपको कोई एक कंडीशन दे दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काम करते हैं हम, इस एग्जाम्पल को अगर मैंने थोड़ा चेंज करना है ना, तो एज्यूम कर लो, अब मुझे नहीं पता इसकी लेंथ क्या होगी, मैं अंदाजन आपको बताया था, लेट से अगर ये 3.5 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बोलेंगे कि ये साइड निकाल लो, ये 3.5 दे दी आपको, बोला कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और बोलेंगे बताओ ये वाली साइड क्या है। अब आप कैसे चेक करोगे, आपको बताइए अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो रेशो फिक्स रहेगा, मतलब 4/8, 5/10, इसी तरीके से 3.5/x, ये बराबर होंगे आपस में, ये 1/2, ये 1/2, इसका मतलब 3.5/x भी क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इस कंडीशन को आप सॉल्व कर सकते हो, x को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, x यहाँ पे आ जाएगा 7, इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसको क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे दे सकते हैं, लेट से आपको ये दे दें 3.5, यहाँ पे एक अननोन दे दें, लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्स दे दें, यहाँ पे आपको वाई दे दें, अब बोलेंगे कि अब मालूम करके दिखाओ कि सिमिलर ट्राइंगल है नहीं, तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे, नहीं मालूम करके नहीं, बोलेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और कंडीशन ये कि सिमिलर ट्राइंगल है, तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल है, रेशो सेम रहेगा, रेशो कैसे निकालोगे, 5/10, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा रेशो 1/2 है, इसी तरीके से x अपॉन 8, इसी तरीके से 3.5/y। अच्छा जिसको आपने ऊपर रखना है हर दफा ऊपर रखना है, जैसे 5 को ऊपर रखा तो इसी ट्राइंगल का x भी ऊपर आएगा, इसी ट्राइंगल का 3.5 भी ऊपर आएगा। अब आपको पता है यार रेशो 1/2 होना चाहिए, मतलब 5/10 1/2 होता है, अब ये 1/2 कैसे होगा, इसका मतलब x को 4 करना पड़ेगा तब ये 1/2 होगा। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, x अपॉन 8 को 1/2 के बराबर रखो, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसी तरह इसको भी 1/2 करना है, y की जगह आप 7 पुट करोगे, तो डिफरेंट किस्म के आपके पास सवाल ये दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ये था ना, एज्यूम कर लो ये a है, ये b है, ये c है, इसी तरह d है, इसी तरह e है, इसी तरह f है, तो ये जो आपके पास लिखा होता है ना a b c सिमिलर है d e f के, तो जहन में रखना दो कॉन्सेप्ट होते हैं हम नॉर्मली आपने देखा होगा बोल रहे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनको आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे होते हो। वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि जो मैचिंग जगह पे है, जो जिनकी पोजीशन जो है वो रिलेटिवली सेम है, जैसे अगर ये दो ट्राइंगल है, अगर आप इनको देखो तो ये वाले और ये वाले जो है ये सेम पोजिशन के ऊपर है, क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ इस तरीके सेम पोजिशन के ऊपर है। इसी तरह लेट से जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखी थी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो इक्वल वाले एंगल होते हैं ना उनको आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हो, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट दी जाती है कि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। असल में इक्वल एंगल्स को आप ही कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे होते हो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर, तो थोड़ा ये कंफ्यूज करता है लेकिन इतना है नहीं। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होती हैं कि जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना उनके दरमियान वाली साइड जो है उसको आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इस वाले केस में 30 और 60, 30 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह 60 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। ये कॉरस्पॉन्डिंग का कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर भी आता है जब दो लाइन पैरेलल होती है, अगेन वहां पे भी आपने देखा हो ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, जो रिलेटिव पोजिशन वाले एंगल होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग कहते हो आप, सेम पोजिशन पे जो एंगल हो रहे होते हैं ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो कि इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करे। बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, क्या बताना चाह रहा था, हाँ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या होगी, जैसे 30 और 60 के साथ ये वाली साइड जो है सेम यहाँ पे क्या है, 30 और 60 ये वाली साइड की बात की जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होंगे, दोनों के 90 डिग्री है, राइट एंगल एंगल है। इसी तरह बेसिक ज्योमेट्री में आपने बात पढ़ी थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, जब दो पैरेलल लाइन को आप कट करते हो ना तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये प्रूफ करना हो तो कर सकते हो, इसको आप कहते हो, आप सर्च भी कर सकते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होती है उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो एंगल्स होते हैं वो आपको बताएंगे, तो ये वाले दोनों एंगल इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हो, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको नजर आ गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिंपल सी बात है। और जस्ट आप देखो साइड का रेशो कहीं नहीं निकाला था मैंने, साइड में निकाल ही नहीं सकता रेशो, इसकी जो भी लेंथ है इसकी जो भी लेंथ है मैं मालूम नहीं कर सकता ना, कोई वैल्यू लिखी भी नहीं है, लेकिन एंगल देख के मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो अगर दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल है तीसरा भी इक्वल होगा, इसका मतलब है सिमिलर ट्राइंगल। और वंस आपको पता चल जाए कि ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब उनका रेशो भी फिर इक्वल होगा,
तो पहले रेशो वाली बात नहीं आई क्योंकि रेशो वाली बात मुझे पता नहीं थी, पहले आपने एंगल ऑब्जर्व किए, आपने देखा एंगल इक्वल है दोनों के, इसका मतलब ये सिमिलर है, और अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स के रेशो जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप रेशो निकाल सकते हैं, तो हम रेशो निकालते हैं। सबसे पहले आप ये ट्राइंगल है ना, तीन साइड होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनके हम रेशो निकालते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, एम के बराबर, डिवाइडेड बाय इस वाले ट्राइंगल में ये साइड किसके बराबर है, एन के बराबर। अच्छा जी, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड किसके बराबर होगी, कोई बता सकता है? एक्स के सर। नहीं, देखो ये वाली साइड निकालने का बता सकता है अभी भी कोई? बहुत आसान कर दिया मैंने, एक्स 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 माइनस एक्स वन। एक्सीलेंट भाई, देखो ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, मैंने ये जो सी पॉइंट था, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, एक्स कॉमा वाई, मतलब ये पूरा इसका, ये पूरा एक्स डिस्टेंस है ना, ये पूरा एक्स के बराबर है और ये पूरा एक्स वन के बराबर है। तो अगर आप इस पूरे एक्स में से एक्स वन निकाल दो तो पीछे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन जो है ये पूरा डिस्टेंस आपको मिल गया। इसी तरह ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वाई टू वाई माइनस एक्स टू माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा एक्स टू है, ये पूरा एक्स है, तो इस पूरे एक्स टू में से इस एक्स को निकाल दो तो ये छोटा सा डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से अब आखिरी कौन सी साइड रहेगी, ये वाली साइड, तो इसकी लेंथ क्या होगी, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, ये इसकी हाइट y है और इस वाले की हाइट y1 थी, तो ये हो जाएगा y माइनस y2 माइनस y1। हाँ, इसी तरह इसकी हाइट y2 थी, इसकी हाइट जो है ये y, इसकी y है, और जो c पॉइंट है इसकी हाइट y है और इसकी हाइट, मतलब अगर मेंशन करना चाहो कर सकते हो, y2 है, ये y है और इसकी हाइट y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल y माइनस y1, और ये छोटा सा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, ये x1 होगा, x होगा, मतलब x2 माइनस x आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने वही कॉन्सेप्ट जो सिमिलर ट्राइंगल का मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वंस ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड के रेशो इक्वल होंगे, बस इसी से आपने फॉर्मूला बनाना, कैसे, सबसे पहले आप इसको इक्वेट करवाओ, m अपॉन n को आप इक्वल रखो इसके, आपको देखो यहाँ पे x निकालना है क्योंकि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, तो वो c पॉइंट है, आप यहाँ से x निकालो, कैसे, सिंपल आपको मैथ करनी है, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई करवा दो, एम एक्स टू माइनस एम एक्स एन को जाके उधर मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा जी, आपको एक्स निकालना है तो एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इन इस चीज को उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, इसी तरह इसको उधर ले जाओ, एम एक्स प्लस एन एक्स, यहां से आप एक्स कॉमन लो तो ये हो जाएगा एम प्लस एन, ये तो ऐसी रहेगा, एंड पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये आपके पास बच्चों एक्स का फॉर्मूला आ गया, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सेम आपने क्या करना है, इस वाली चीज को इक्वेट करवाना है, इससे सॉल्व करना, देखना वाई का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये काम आप लोगों का खुद कर लेना, एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो अब वक्त आ गया इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लो उसको, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है, सिंपल, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया वो सी पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसकी एक्स और वाई वैल्यू क्या होगी, एक्स वैल्यू निकालोगे आप इस तरीके से, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और वाई वैल्यू निकालोगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये है आप लोगों का इंटरनल डिविजन फॉर्मूला, जिसको आप लोग यूज करोगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे लिए बड़ा ईजी था, मैं बता दूं, लेकिन ये बताने से सोचो ये कितनी चीजें आप लोगों की मिस हो जाती। इसमें मेन चीज आपने सिमिलर ट्राइंगल सीखा, ये लेंथ निकालना सीखा है, इसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता x माइनस एक्स वन है, x2 माइनस एक्स वन है क्या है, तो ये इस लेवल पे नहीं सीखोगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके सीखोगे, नहीं सीख सकते। तो ये सब बेसिक बातें सारी, देखो मैं वो वाली डेरिवेशन करवाता हूँ जो बड़े काम की होती है, तो ये बहुत काम की डेरिवेशन है, उससे आपने फॉर्मूला बनाया। अब आपको ये सब चीजें पता चल गई हैं, तो आप एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला प्रूफ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ गई हैं। बस यहाँ पे एज्यूम कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो एक्सटर्नल होगा, तो एज्यूम कर लो वो पॉइंट यहाँ पे जिसको आपने सी बोल दिया। अब असल चीज है यहाँ पे ट्राइंगल किस तरह बनाओ, तो देखो एक ट्राइंगल आपने बनाना होता था कि जिसमें एम आपका हाइपोटेन्यूस है और एक में आपका एन हाइपोटेन्यूस था, तो सेम ही काम करो, यहाँ पे एम क्या होगा, ए से लेके सी तक एम होता है, तो ये पूरा एम है, तो आप एक ट्राइंगल पहले तो इनको नीचे कर दो, इस तरह साइड पे कर दो ताकि x1 y1 आपको पता चलता जाए। तो ये क्या है, ये है x1, ये है x2 और ये है x, c की वैल्यू को आप x कहते हो, इनकी x1 x2, इसी तरह ये y1 है, ये y2 है और ये y है। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाओगे ये वाला,
इस ट्रायंगल की खास बात क्या है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो पूरा किसके बराबर है, एम के बराबर है, ठीक है। एक आप ट्रायंगल बनाते थे एन वाला, एन क्या है, एन होता है सी से लेके बी, मतलब ये पूरी चीज एन के बराबर है, तो ए ट्रायंगल आप इस तरह बनाओगे, ये पूरी चीज एन के बराबर है, तो ए ट्रायंगल आपका इस तरह बन गया, ये 90 डिग्री बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है पूरा, ये इस तरह बन रहा है, ये दो ट्रायंगल आपने यहाँ पे बनाना है। ये ट्रायंगल बनाने में किसी को मसला तो नहीं है यहाँ तक, या कोई और सवाल नहीं? अच्छा सर, तीसरा ट्रायंगल भी बन रहा है? नहीं भाई, हमारा मकसद ट्रायंगल बनाना नहीं है, हमारा मकसद भाई दो ट्रायंगल बनाना है, एक एम वाला एक एन वाला, क्योंकि ये चीज हमें करनी है, मजाक थोड़ा ना चल रहा है ट्रायंगल बनाते रहे हम। ये ट्रायंगल बनाने के बाद याद रखो, जब ये भी सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो एक राइट ट्रायंगल इस तरह बन रहा है और दूसरा राइट ट्रायंगल अगर आप इस तरह बनाओ, मैं इसको नाम देता हूँ, नाम से आपको पता चलेगा, ई एफ कर लेते हैं, तो एक ट्रायंगल कौन सा राइट ट्रायंगल, अगर आप देखो ए ई एफ, मैं इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है, और एक बड़ा वाला है ए बी सी, ये वाला राइट ट्रायंगल। तो याद रखो जब एक राइट ट्रायंगल के अंदर दूसरे तरीके से इस तरह ट्रायंगल बन रहा है ना, तो अब इसमें होगा क्या, ये डेफिनेटली सिमिलर ही होंगे, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि सिमिलर है या नहीं है, क्यों, एंगल सारे इक्वल है ना इनके, देखो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, अच्छा ये तो एंगल इनका शेयर्ड है, दोनों ट्रायंगल में सेम एंगल शेयर्ड कर रहे हैं आपस में, शेयर कर रहे हैं, इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल है इसका मतलब तीसरा तो इक्वल ही होगा, इसी तरह सेम चीज, यही तो कंडीशन है यहाँ पे, देखो ये 90 या 90, इसी तरीके से जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, तो आप समझ जाओगे यार ये जो दोनों ट्राइंगल है, अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, लेट से इसको मैं डी कह देता हूँ, तो ए डी सी वाला और बी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में आपने दो डायग्राम्स बनाई है ना ट्राइंगल्स के, तो पहले वाले का और दूसरे वाले का कोई टॉपिक का नाम नहीं है? नहीं ना, ये इंटरनल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है बस, इसमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल है, इसमें जो पॉइंट है वो ए बी के एक्सटर्नल लाइक कर रहा है। ओके सर। अच्छा जी, बस डेरिवेशन कर लो जिस तरह पहले की थी, इस पूरी की ये वाली साइड क्या है एम के बराबर है, और इस वाले बेचारी की ये साइड क्या है एन के बराबर है, इसी तरह ये जो बड़ा राइट ट्रायंगल है उसकी ये वाली साइड क्या है, देखो एक्स माइनस एक्स वन, ये पूरा एक्स है और ये छोटा सा एक्स वन है, तो इस पूरे एक्स में से अगर एक्स वन हटा दोगे तो ये पूरी चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा सिंपल एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह जो छोटा वाला बेचारा राइट ट्रायंगल है, अब देखो साइड आपने देखनी है किसको किससे कंपेयर कर रहे हो, इस वाले को आप इससे करोगे, इस वाले को इससे नहीं कर देना, पर दिखने में आपको लग रहा है ना किस साइड को किससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो ध्यान में रखना है इसको। तो ये वाली साइड किसके बराबर है, सिंपल एक्स माइनस एक्स टू, सेम। अब बड़े राइट ट्रायंगल की ये वाली साइड किसके बराबर होगी, वाई माइनस वाई वन, और जो बेचारा छोटा वाला है इसकी क्या होगी, वाई माइनस वाई टू। बस मैं एक की डेरिवेशन बताया था क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा होता है वो आपको पता चल जाए, मैं पहले, अब पहले मैंने एक्स की डेरिवेशन करवाई थी ना, अब मैं वाई की डेरिवेशन करवा देता हूँ, मतलब इसको इसके बराबर रखता हूँ, तो एम अपॉन एन को आप बराबर रखो वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई टू के, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा एम वाई माइनस एम वाई टू एन वाई माइनस एन वाई वन। अगेन इसको y2 और y1 को एक साथ आपने लाना है ना, जो फॉर्मूले की कन्वेंशन है उसमें m वाली टर्म पॉजिटिव होती है, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ और ये वाली टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहां से मैं y कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा m माइनस एन, ये तो एज इट रहेगा, यहां से y की वैल्यू निकालो ये हो जाएगी एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो देखो सेम इंटरनल डिविजन वाला है, बस फर्क क्या है कि नेगेटिव आ रहा है, इसमें था एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इसमें एम वाई टू माइनस एन वाई वन, इसी तरह नीचे था एम प्लस एन, इसमें एम माइनस एन। मैंने बताया था ना रेशो नेगेटिव होते हैं, ये वही वाली चीज है कि इसमें किसी एक रेशो को आपने नेगेटिव करना है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इस पे भी जा सकते हो, कैसे, किसी एक को नेगेटिव कर दो, अगर मैं एन को नेगेटिव कर दूं तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब अगर मैं एक्सटर्नल डिविजन फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, सिंपल जो फॉर्मूला, बस जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव लगाना है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, इसी तरह एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, ये फॉर्मूला कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। देखो लास्ट क्लास में दो टॉपिक थे जिसमें कंफ्यूजन थी, एक आपने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला और एक था एक्सटर्नल। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, वो ये पॉइंट है जो बुक वालों ने लिखा हुआ है, यह आपको नजर आएगा अगर आप लोग गलती से बुक खोलो
तो पेज नंबर 194 पे बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, व्हेन पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली द गिवन रेशियो पॉजिटिव है, फॉर एक्सटर्नल डिविजन द रेशियो विल बी नेगेटिव। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, अब ये बच्चों को तंग करेगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, उस एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चलेगा कि ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो वजह क्या है कि नॉर्मली आप लोग को जगहों पे देखोगे कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जो है ना उसकी डेरिवेशन अलग से करवाई जाती है, ठीक है, जो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है ना उसकी डेरिवेशन नहीं करवाई जाती। आपको जो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आया है ना, कल हमने पढ़ा था इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या था, ये पॉइंट बड़ा छोटा सा है लेकिन आपने गौर से समझना, मना शायद समझना आया आप लोगों को, जरा ना अटेंशन दे के प्रॉपर समझो इसको। ये इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो कितनी ऐसी जगह हैं जहां पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला प्रूव करवाया जाता है और उसके बाद एक्सटर्नल प्रूव नहीं करवाया जाता। आपको जस्ट ये बोल दिया जाता है कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप अपने रेशो को नेगेटिव कर दो, और किसी एक रेशो को नेगेटिव करना है, और नॉर्मली आपने स्टैंडर्ड क्या रखा होता है कि जो एन वाला रेशो है ना, एम इज टू एन होता है ना, तो एन वाले रेशो को आप नेगेटिव कर दो। तो जब मैं एन को नेगेटिव करूंगा तो अब इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एन नेगेटिव होने से इसी तरह दूसरी चीज भी आप लोग लिख लेना, ये चीज आ जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे ना तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनल डिवीजन के लिए रेशो पॉजिटिव होते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशो नेगेटिव होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन का अलग से एक फॉर्मूला बनाओ, मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ, एक सवाल देता हूँ, उसके बाद हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ तब आप लोगों को बातें समझ आएंगी। लेट से आप कंसिडर कर लो, बुक में ये एग्जाम्पल गिवन है, मैं उसी को सॉल्व करवाता हूँ और बताता हूँ। आप कंसीडर कर लो ये दो पॉइंट्स हैं, 1, -2 और -3, -4, इसको डिवाइड किया है किस रेशो में, 3:5 में किया है। उससे पहले एक और बात सुन लो, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई आती है ना कि पी या कोई भी पॉइंट डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस चीज को जहन में रखो। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर कोई पॉइंट इसको कट करता है, लेट से मैं इस लाइन सेगमेंट को ना तीन हिस्सों में तकसीम करता हूं, ये तीन हिस्सों में तकसीम हो गया, यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा तो जब भी आपकी लाइन सेगमेंट तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है, जितने भी हिस्सों में आपने डिवाइड की हुई है ना, तो रेशो निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। आप अब इक्वल हिस्सों में तकसीम है तो आप देखो एम यहां पे क्या होता है, मैंने कल भी बताया था एम होता है ए से लेके सी तक, एन क्या होता है सी से लेके बी तक, ये कल मैंने बात क्लियर की थी। तो अगर मैं यहां से बोलूं एम यहां पे गया है तो आप लोग क्या जवाब दोगे, टू। देखो रेशो को आपने इस तरह समझना है कि कितने हिस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है ना, तो आपने देखना है कि ए से लेके सी तक कितने हिस्से कवर हो रहे हैं और सी से लेके बी तक कितने हिस्से कवर हो रहे हैं, क्योंकि रेशो में ऐसे ही होता है। रेशो में आपको एक्चुअल किसी ने ये नहीं बोला कि इसकी लेंथ बताओ, ऐसा तो सवाल ही नहीं था। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दी थी, लेट से आपके पास अगर ये 9 यूनिट की लेंथ एक पूरी लाइन सेगमेंट है, आपने उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट यहां पे, तो आप लोगों ने खुद बताया था ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 6 के बराबर, और ये पूरा कितना डिस्टेंस होगा, 3 के बराबर। जब आप इसका रेशो निकालोगे तो रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। तो सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ लो ना कि इस पॉइंट से पीछे कितने हिस्से थे, 2, इस पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, 1, क्योंकि रेशो में बिल्कुल आप सिंप्लीफाइड बात करते हो। तभी मैंने बोला है कि अगर आप लाइन को तीन हिस्सों में तकसीम करोगे, अगर कोई पॉइंट यहां पे है तो एम हो जाएगा 2 के बराबर और एन हो जाएगा 1 के बराबर। अच्छा अगर मैं ये सिचुएशन आपको दूं, अब मुझे बताना है इसमें क्या होगा, क्योंकि इसी किस्म का सवाल एक्सरसाइज में मौजूद है। अगर कोई पॉइंट यहां पे, लेट्स से सी, अब मुझे बताओ एम क्या होगा, 3। जल्दबाजी कर दी, 2। एम 4 होगा, 4। मैंने हिस्सों के फॉर्म में आप लोगों को बताया ना भाई, देखो इसके मैंने कितने से किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस लाइन सेगमेंट के 6 हिस्से हुए हैं। आप जस्ट देखो सी से पहले कितने हिस्से हैं, 4, सी के बाद कितने, 2, दैट्स इट, रेशो की फॉर्म में आ गया। यार माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर लो जिसने ऑन किया होता। अच्छा तो इस तरीके से आप आसानी से रेशो की फॉर्म में बता सकते हो। अब आपने जितने भी हिस्से करने हैं, आप लोगों का एक बुक में सवाल है 7.1 के अंदर, उसमें 20 हिस्से किए हुए, तो अगर ये लॉजिक आपको पता है, आपके सामने 20,000 भी हिस्से आए, आप आसानी से बता सकते हो, लॉजिक बस आपको बतानी चाहिए। एक ये छोटी बात मैंने आप लोगों को बताई है रेशो की, और दूसरी एक और बात ध्यान में रखो कि क्या बताने लगा था, एकदम से ध्यान से निकल के बात। ये जो एक और पॉइंट बताया था वो तो मेरे जहन में था, एक बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में थी एकदम से। सर मेरे सर एक क्वेश्चन है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड
हाँ दूसरी बात क्या थी, एक तो आपने समझ लिया ना कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे तो रेशो 4:2 हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अब रेशो क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बोला जाए कि किसी लाइन सेगमेंट को लेट से 10 हिस्सों में आपने तकसीम करना है, 10 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होंगे? नाइन पॉइंट चाहिए। इसको इस तरह आप लोग समझ सकते हो कि जैसे लाइन सेगमेंट थी, इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया, तकसीम करने के लिए कितने मुझे पॉइंट चाहिए थे? 2 पॉइंट चाहिए थे, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। इसी तरह इस लाइन को मैंने 6 हिस्सों में तकसीम किया है, कितने पॉइंट चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने हिस्सों में आपने लाइन सेगमेंट को तकसीम करना है उससे एक कम पॉइंट चाहिए। ये बहुत बेसिक लेवल की बात है, लेकिन इस पे भी देखो आंसर मेजोरिटी के गलत आ रहे हैं, तो ये बातें अपने जहन में रख लो। अब सवाल पूछो जो पूछना चाह रही हूँ। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया था कि ए से बी तक एम होता है और सी से बी तक एन होता है ना, ए से लेके सी तक एम होता है, ए से लेके सी तक एम होता है और सी से लेके बी तक एन होता है। सही सर। और आपने वो गलत वाली चीज आपने ये देखी होगी ना जो एक्सटर्नल का बता, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी वैसे, आपने समझा। एक्सटर्नल में भी जैसे सी जो है अभी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, अभी भी एम क्या होगा, ए से लेके सी तक एम, बी से लेके सी तक एन, ये फिक्स रहेगी बात, चाहे एक्सटर्नल हो या चाहे इंटरनल हो। पर अच्छा अब जो मैं बात बताना चाह रहा था उसको जरा सुन लो कि ये स्टेटमेंट बड़ी मैटर करती है, वरना आपका जो आंसर है वो टोटली गलत आ जाएगा। कि अगर आपको बोला जाए कि एक पॉइंट है सी डिवाइड कर रहा है, स्टेटमेंट क्या मैंने लिखी हुई है, सी डिवाइड ए बी, तो याद रखो आपको लाइन सेगमेंट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, वरना वर्डिंग काफी मतलब आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रही है ए से, आपकी लाइन सेगमेंट एंड हो रही है बी पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यही स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, मैं बोलूंगा कि सी जो है वो 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को, लेकिन अगर मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दूं, मैं बोलूं सी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट बी ए को इन 2:1 रेशो, सेम वही चीज है, मैंने बस पॉइंट्स को आगे पीछे कर दिया। पेपर में जब आते हैं ना सवाल इस तरह आते हैं, आपको बोला जाएगा एक पॉइंट है जिसने डिवाइड किया है इसको एंड इसको 3:5 रेशो में, तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। ये नहीं कि जो पहले चीज लिखी हुई है उसको आप दूसरा पॉइंट बना दो तो दूसरा लिखा है पहला, चीजें चेंज हो जाएंगी। वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर सी डिवाइड कर रहा है ए एंड बी इन 2:1 रेशो में तो ये सिचुएशन बनेगी, लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि सी डिवाइड कर रहा है बी ए इन 2:1, इसका मतलब अब पहला पॉइंट ये हो गया, तो जो पहला पॉइंट होता है ना उससे आपने एम लेना होता है। अभी जो मैंने आप लोगों को पूरी कहानी बताई थी यहाँ पे कि जो पहले पॉइंट से लेके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पूरा एम होता है, तो अगर आपको को बोले कि सी डिवाइड कर रहा है बी ए को, तो अब पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट बी है, मतलब बी से लेके सी तक अब आप देखोगे कि आपका एम क्या है, तो सिचुएशन इस डायग्राम ये बनेगी। यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी होगा, 3 हिस्सों में आपने तकसीम किया, अब सी यहाँ पे होगा, गौर करो ये सिचुएशन बनेगी। अब क्यों? क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो आपका एम होता है, तो जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एम यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट बी है, उससे लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया ये पूरा 2 के बराबर होगा, और एन क्या होगा, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उससे लेके फाइनल पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट यहाँ पे ए है, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी। अब देखो पॉइंट्स आगे पीछे करने से सवाल ही आपका चेंज हो जाता है, आप इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2 लो और वैल्यू निकालो, उस वाले पॉइंट की वैल्यू अलग आएगी, अगर आप इसको x1 y1 लोगे, इसको x2 y2 लोगे, अब देखना अलग पॉइंट आएगा। तो इस चीज को जहन में रखना, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने की। डिस्टेंस फॉर्मूला में ये मैटर नहीं करता कि आपने किसको x1 y1 लिया, किसको x2 y2 लिया, लेकिन यहां पे मैटर करता है जो पहले लिखा हुआ है उसको x1 y1 लोगे, जो बाद में लिखा हुआ उसको x2 y2 लोगे। ये पॉइंट मुझे बताओ सबका समझ आ गया? यस, मेरे को मसला है सर, एक्सटर्नल डिवीजन में एक पॉइंट बाहर से कैसे कट कर सकता है? देखो ऑब्वियसली ये कोई रियल केस नहीं है, आप रियल इसको वैसे बना सकते हो, लेकिन एक थोड़ा आइडियल केस है कि एक्सटेंशन पे जाके कोई चीज कट हो रही है। रियल में पता है किस तरह मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेट से अगर ये लाइन है ना, कोई भी एक लकड़ी है, कुछ भी है, आप इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे होते हो, लेकिन आप एज्यूम कर लो आपने पहले ये वाला पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट लिया हुआ ना, तो कहीं से भी आप इसको कट कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल को आप इस तरह समझो कि आपने जो 2 पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिए हैं, आपने लेट से कोई भी एक रॉड लिया, उसको लेबल उसको मार्क कर दिया आपने कि पॉइंट ए ये वाला है और पॉइंट बी ये वाला है, अब ये आपकी लाइन सेगमेंट है और आप उसको कट कर रहे हो लेट से कि यहाँ से, तो अब सी पॉइंट आपका ये हो गया जो एक्सटर्नल है ए और बी के। तो अगर आप समझना चाहो इसको इस तरह समझ सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात ये थोड़ी बहुत ही समझाने वाली मैंने बात की है, लेकिन रियल में तो आपको इंटरनल डिवीजन ही नजर आती है, लेकिन मैथ में जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है।
समझने के लिए, ठीक है। तो किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ तक? सही है। तो एक तो ये पॉइंट यार जो मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ ये आपके आंसर को गलत कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है आगे पीछे कर दिया, X1 Y1 X2 Y2 को इधर उधर कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको। कौन सा बहुत मैटर करता है। इसी तरह आपको एम और एन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एम आप किसको लेते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है, और एन आप किसको लेते हो, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उससे लेके एंड पॉइंट तक, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें क्लियर कर दी। अब जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था ना जो क्लास के स्टार्ट में, क्योंकि देखो एक बात क्लियर करने लगो हजारों बातें बाद में आ जाती हैं, असल पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था वही मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा तब आपको बात समझ आएगी। अब देखो सिचुएशन क्या है कि एक पॉइंट है जिसने डिवाइड किया है इस लाइन सेगमेंट को, रेशो 3:5 है, और बुक वालों ने बोला था एक्सटर्नली। अब अगेन मेरी बात को गौर से समझना, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो बात लिखी हुई है ना रेशो नेगेटिव कब होंगे वो वाले पॉइंट मैं समझाने लगा हूँ। यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला क्या था दोबारा लिख देता हूँ समझने के लिए, MX2 - NX1 / M - N, MY2 - NY1 / M - N, ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है। बुक वालों ने बोला एक्सटर्नली कट कर रहा है तो मैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करूंगा। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, ये होगा X1 Y1, ये होगा X2 Y2, ये होगा M2 N। सही है, सब एग्री करेंगे इस बात से, सर आपने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज किया X1 Y1 X2 Y2 M2 N, बिल्कुल सही बात है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है जो अभी मैंने बताई थी कि बुक में वर्डिंग लिखी हुई है कि एक्सटर्नल में रेशो नेगेटिव आते हैं, यहां पे तो रेशो पॉजिटिव है, इसका मुझे कोई जवाब दे दे। मामले में सर नेगेटिव दिया हुआ है एक्सीलेंट, ये इसका जवाब है, एक्सीलेंट ये जवाब है। याद रखो मैंने तभी कहा था कि दो चीजें फॉलो होती हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, और कुछ लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला नहीं कंसीडर करते। इसी सवाल को लोग इस तरह भी सॉल्व करवाते हैं, वो कहते हैं कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला आपने एक ही रखना है, दो फॉर्मूला याद ना रखो, एक ही फॉर्मूला रखो याद। उसके बाद क्या करो, अगर सवाल में लिखा हुआ है एक्सटर्नल कट कर रहे हैं तो रेशो को नेगेटिव कर दो। अगर मैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ ना, मुझे पता है ये एक्सटर्नल कट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, रेशो ये पुट करूंगा। अब -3:5 भी पुट कर सकते हो, किसी भी एक के साथ नेगेटिव लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। सर सर तो क्या सर मेरा क्वेश्चन बोलो। ये पूछ रही हूँ कि वो तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता ही है ना, जैसे हम वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में तो फिर तो नेगेटिव आंसर आएगा ही, तो रेशियो को नेगेटिव करने की क्या जरूरत है? आंसर नेगेटिव नहीं लाना, पॉइंट मेरा ये, इसके आंसर में तो एक पॉइंट आएगा ना, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है। असल मेरा सवाल ये था कि बुक में लिखा हुआ है एक्सटर्नल डिवीजन में रेशो नेगेटिव होते हैं, आप यहाँ पे जब पुट कर रहे हो तो रेशो पॉजिटिव पुट कर रहे हो। अच्छा इस एग्जाम्पल को ना बैकवर्ड कर दो, मैं एक बैकवर्ड तरीके से बताता हूँ, तब मेरा ख्याल में आपको और अच्छे तरीके से समझ वो तो आएगा। खुद ब खुद नेगेटिव हो ही जाएगा ना जब खुद करेंगे नहीं नेगेटिव, फॉर्मूले। अरे मैं आपको फिर पॉइंट बताता हूँ, सुन लो इस एग्जाम्पल का फिर आप जवाब देना, ये उल्टी एग्जाम्पल है। लेट से आपके पास एक सवाल आता है, अब मुझे बताना मैं सॉल्व कैसे करूंगा इस सवाल को, ये आप लोगों ने बताना। सी डिवाइड कर रहा है, लेट से आपको दिया जाता है कि सी डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को, ठीक है, इसके आप ले लो X1 Y1, इसको आप ले लो X2 Y2, आपको क्या, अच्छा ये तीनों पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, सी भी दे दिया जाएगा जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए भी दे दिया जाएगा, बी भी दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि यार सी जो है ना वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आप क्या करो, रेशो निकालो, किस रेशो में उसने एक्सटर्नली डिवाइड किया। तो अब मुझे बताओ जो सवाल स्टूडेंट पूछ रहा था, मैं कोशिश करूंगा आप ही जवाब दो कि अगर लेट से सी एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली, आपको रेशो निकालना है, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एक्सटर्नल डिवीजन वाला एक्सटर्नल, और रेशो आपके ख्याल में क्या आ रहे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सब कंफ्यूज हो आप, यही तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको बात, किसी ने जवाब दिया होगा माइनस सर, देखो एक और स्टूडेंट भी कंफ्यूज है। यही तो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्डिंग बुक में लिखी हुई है ना एक्सटर्नल में रेशो नेगेटिव आते, नहीं आएंगे नेगेटिव, क्यों नहीं आएंगे नेगेटिव उसी की रीजन बता रहा हूँ, इसमें आप सॉल्व करना नहीं आ सकते नेगेटिव, आएंगे नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव आएंगे। तो जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है कंफ्यूजिंग है, तभी मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। वो बात पता है क्या है, वो बात यह है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उस वक्त होगा जब आप एक ही फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला इस सिचुएशन में यूज करोगे तो आपके पास रेशो नेगेटिव आएंगे, वरना रेशो नेगेटिव नहीं आएंगे। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज किया, अब एक्सटर्नल में ऑलरेडी नेगेटिव किया हुआ होता है, जब आप एक्सटर्नल फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव कर दोगे तो अब आपके पास रेशो पॉजिटिव ही आएंगे। तो जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई ना कि एक्सटर्नल में नेगेटिव आते हैं, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद रेशो नेगेटिव आएंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। आप इस वाली सिचुएशन में अगर इंटरनल फॉर्मूला लगाओगे तब रेशो नेगेटिव मिल रहे होंगे,
वरना अगर आप इस सिचुएशन में इंटरनल, मतलब कई सिचुएशन में सवाल में लिखा हुआ है इंटरनल, वहां पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मुला यूज करना, जहां पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है वहां पे एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मुला यूज करना, रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे आपके, ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। तो रेशो नेगेटिव कब आएंगे? एक्सटर्नल के अंदर उस वक्त जब आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मुला यूज करोगे, क्योंकि एक्सटर्नल में तो ऑलरेडी नेगेटिव लगाया है ना, वो तो कंपनसेट कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पे यूज करने के बाद रेशो पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आ रहे होंगे। शुरू में बातें समझ नहीं आती भाई, ये इतनी आसान नहीं है, मैंने बहुत दफा बताया, ये आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा चीज है, ये वो पॉइंट है जो किसी एक बच्चे को तंग करते हैं, सबको तंग नहीं करते, क्योंकि किसी का दिमाग जब उस जगह पे जाता है ना, और वो जब सोचेगा कि बुक में लिखा है रेशो नेगेटिव, लेकिन इस वाले सवाल में भी रेशो नेगेटिव नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल की है, और इस सवाल में तो बकायदा लिखा हुआ है कि एक्सटर्नली कट कर रहा है बेचारा, एक्सटर्नल का फॉर्मुला भी यूज कर रहा होगा लेकिन रेशो पॉजिटिव आ रहे होंगे, तो वो कहेगा ये बुक की वर्डिंग का मतलब क्या है। तो ये कोई स्पेसिफिक बच्चे जिनको ये मामला तंग करता है, मैं वो स्पेसिफिक चीज सबको बता रहा होता हूँ, इसलिए फिर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होती है, तो सोचना तो बात समझ आ जाएगी। मैं अब जो अभी तक बताया ना बात, मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, नहीं किसी को समझ आई तो दोबारा पूछ लेना व्हाट्सएप पे या रिकॉर्डिंग देख के, आपको बात समझ आ जाएगी। अभी कंक्लूजन है जो आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा, तो मेरी बातों को गौर से सुनना, मैं आप लोगों को पूरा मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है इस सेक्शन फॉर्मूला के। एक किस्म का सवाल आपके पास क्या, सबसे पहले दो किस्म के सवाल आ रहे होते हैं, एक किस्म का सवाल ये होता है कि आपको बोला जाता है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं ना उस पॉइंट को मालूम करो, चाहे वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है चाहे वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को मालूम करो, एक तो इस किस्म का सवाल आता है। दूसरा इस किस्म का सवाल आता है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना वो आपको ऑलरेडी दे देंगे कि यार इस पॉइंट ने डिवाइड किया है इन लाइन सेगमेंट को, आप रेशो मालूम करो, तो या तो आपको बोलेंगे पॉइंट मालूम करो जिसने डिवाइड किया है, या आपको बोलेंगे रेशो मालूम करो, दोनों सिचुएशन होंगी, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। अब इन दोनों किस्म के सवालों को सॉल्व किस तरीके से करोगे, लेट से पेपर में आता है कि यार एक पॉइंट है जिसने इंटरनली डिवाइड किया है इस रेशो के अंदर, उस पॉइंट को मालूम करो, तो स्ट्रेट अवे आपने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लेना, कुछ सोचना ही नहीं है आपने, ये अपने पास लिख लेना बातें, क्योंकि मैं लिखने लग गया टाइम बहुत लग जाएगा। अगर पेपर में सवाल आता है कि एक पॉइंट है जिसने गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है इस रेशो में, उस पॉइंट को मालूम करो, तो आप जस्ट इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लोगे, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात, लेट से आपके पास सवाल आता है कि यार एक पॉइंट है जिसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है एक्सटर्नली इन दिस रेशो, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करोगे, जो मैंने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला बताया वो यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। एक ये इसका मेथड है। दूसरा मेथड क्या है इसका, कि आप यहां पे यूज करो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लेकिन रेशो को नेगेटिव कर दो। ये वो बात है जो कंफ्यूज कर रही थी, जो मैं आप लोगों को पूरी समझाई है, कि अगर पेपर में सवाल आता है कि यार जैसे ये दो पॉइंट थे, इसको एक पॉइंट ने एक्सटर्नली डिवाइड किया इस रेशो में, तो दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, या तो आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करो लेकिन रेशो को नेगेटिव कर दो, सेम आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करो, उसमें ऑलरेडी नेगेटिव हुआ है, तो जब आप एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला पुट करोगे फिर रेशो को नेगेटिव नहीं करना क्योंकि उसने ऑलरेडी नेगेटिव किया हुआ है, फिर दो तरीकों से सॉल्व होगा सवाल, ठीक है, अभी इंटरप्ट नहीं करना दरमियान में। अब दूसरी किस्म का सवाल क्या होगा, कि आपको बोला जाएगा रेशो मालूम करो, लेट्स से आपको बोला जाता है कि एक पॉइंट है वो दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है इंटरनली, रेशो मालूम करो, आप जस्ट इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे आपके पास रेशो आ जाएंगे। अच्छा, अगर यही सवाल दिया जाए और बोला जाए कि एक्सटर्नली डिवाइड किया है, कोई मसला नहीं है, आप क्या करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे, रेशो निकाल लोगे। लेकिन अब इसका दूसरा तरीका भी है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली सिचुएशन मैंने दी है कि सी डिवाइड कर रहा है ए बी को, आपको मालूम करने हैं रेशो, और कंडीशन क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो आप लोगों ने तो अलग दो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो आप लोगों को नेगेटिव रेशो को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, जब इंटरनल बोले इंटरनल फॉर्मूला लगाओ, जब एक्सटर्नल बोले तब एक्सटर्नल लगाओ। लेकिन मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि जैसे इसमें दो पॉसिबिलिटी थी सॉल्व करने की, सेम इस वाले सवाल में भी दो पॉसिबिलिटी, अगर आपको एक्सटर्नल बोले तो आप क्या करोगे, आप यहां पे लगाओगे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, जब आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे ना तो रेशो आपके पास नेगेटिव आ रहे होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा होगा 3:-5, और अगर इस सिचुएशन में आप लगाओगे एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला तो आपके पास रेशो आ रहे होंगे पॉजिटिव, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं होगा, दोनों अलाउड है, कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा के रेशो निकाल रहे हो, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव रेशो आ रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आंसर आएगा 3:5, ये भी ओके है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये आंसर आने के बाद आप क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखते हो ना आप, लेट से आपके पास रेशो आ रहा है 3:-5, तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, कि जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है 3:5 में लेकिन एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आ रहा है,
और अगर आप डायरेक्ट एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मुला यूज करोगे तो आपके पास पॉजिटिव ही रेशियो आ रहे होंगे, क्योंकि फॉर्मुले में ऑलरेडी आपने नेगेटिव कर दिया। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो बच्चों को तंग करती थी पुराने बैचेस में भी, वहां पे भी बताता था, लेकिन इस दफा मैंने बहुत डिटेल में बात बताई है। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लो। सर अगर रेशियो पहले से नेगेटिव दिया हो तो हम हाँ अभी देखो बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर आपको ऑलरेडी सवाल में लेट से बोल दिया जाए कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, बोला जाए कि इसने मतलब उस पॉइंट को आपने मालूम करना है, लेट से एक पॉइंट है जो आपको मालूम करना है, उसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है और आपको नेगेटिव रेशियो दे दिया जाए, और लेट से आपको एक्सटर्नल नहीं बताते, तो आप यहाँ पे किसी एक और किस्म का सवाल आता है जिसमें बोलते हैं कुछ बताते नहीं है आपको कि ये इंटरनली डिवाइड हुआ या एक्सटर्नली डिवाइड हुआ, ये भी आप क्वेश्चन देखोगे इसमें कुछ उन्होंने बताया हुआ नहीं होता कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आप क्या करोगे चुप करके इंटरनल डिवीजन फॉर्मा लगा दोगे। ठीक है, चुप करके इंटरनल डिवीजन फॉर्मा लगा देना, जो रेशियो उन्होंने दिए हैं आपको, जो उन्होंने दिया हुआ आराम से इंटरनल डिवीजन फॉर्मा लगाना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अनलेस आपको स्पेसिफाई ना करें कि यार इंटरनली कट हुआ है या एक्सटर्नली कट हुआ है, उससे पहले आपने जस्ट इंटरनल डिवीजन फॉर्मा लगाना है अगर आपको स्पेसिफाई ना किया जाए। ठीक है, तो लेट्स से एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि अगर आपको रेशियो नेगेटिव दे दिया जाए इस तरह आ जाए, तो आपने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाना है, आपके पास पॉइंट आ जाएगा। जब रेशियो आपने नेगेटिव कर दिया, अब आप एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये तो कंफ्यूजन में हल करना चाह रहा हूं कि अगर रेशियो नेगेटिव है, ये मत समझना कि मुझे अब एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाना है, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। अगर रेशियो नेगेटिव है तो आप इंटरनल ही लगा रहे होगे, और अगर रेशियो पॉजिटिव है और आपको बताया हुआ कुछ नहीं है, अभी भी आप इंटरनल लगा रहे हो। जब आपको स्पेसिफाई ना किया जाए ना, तो आपने अपनी तरफ से मैथ नहीं लगानी है, आपने वहां पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला ही लगाना है, और जब स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वहां पे आप इंटरनल लगाओगे या जो भी एक्सटर्नल बोलोगा वो लगा रहे होगे। अगला और आखिरी टॉपिक जो है ना, वो छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनके सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो वो छोटी छोटी डेफिनेशन को हम जरा क्लियर करते हैं। सबसे पहले चार चीजें उनके बारे में आप समझो, इनको लाइन हम बोलेंगे ना, हाँ चार किस्म की लाइन है, उनके बारे में समझ लो। सबसे पहली लाइन क्या होती है यार, बुक के ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक सेकंड, हाँ सबसे पहले है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा जी। फिर दूसरी लाइन है एंगल बाइसेक्टर, अच्छा जी। फिर तीसरी है मीडियन, सही है। चौथी भी बता दो आप, अल्टीट्यूड है। चलो जी, सबसे पहले इन चार लाइनों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर बाकी चार सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर मतलब फिगर का सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही होती है। अच्छा यार एक चीज बताना भूल गया मैं, ये जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताया ना इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जिसको आप बोलते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये इन्हीं में से आपने निकाला हुआ है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से आपने निकाला हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि लेट से अगर वो लाइन सेगमेंट थी ना ए और बी, इसको अगर बिल्कुल दरमियान से मिड से कोई पॉइंट कट करे सी, तो अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? तो यूज तो आप लोग कहोगे सर इंटरनल डिवीजन करते हैं, तो इंटरनल डिवीजन ही करेंगे यूज, लेकिन इस कंडीशन पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला बड़ा ईजी हो जाएगा। तो वो जो ईजी वाला वर्जन है ना वो आप यूज करोगे, उसको आप कहते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ईजी कैसे होगा? देखो जब कोई पॉइंट मिड से कट कर रहा है तो अब m और n के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इक्वल होगा। अच्छा वर्ड नहीं है, वन रेशो वन होगा, क्योंकि m इज टू n रेशो थे। मैं तभी मैंने लेंथ नहीं बोली आपको m और n लेंथ, मैंने कहा रेशो है, रेशो ही आप पुट कर रहे होते हो। तो जब दो चीजें सेम होती है उनका रेशो वन इज टू वन होता है। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, मैं x वाली चीज बता देता हूँ, बाकी खुद ही आप लोग समझदार हो। सॉरी ये मैंने y वाली बता दी, लेकिन चलो इसी से समझ आ जाएगी आपको। m की वैल्यू भी 1 होगी यहाँ पे, n की वैल्यू भी 1 होगी, नीचे जो हो जाएगा m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या बच जाएगा, y वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसी तरह m और n की वैल्यूज पुट करोगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा इजी आपका होता है। अगर c मिड से कट कर रहा है तो फॉर्मूला सिंपल ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बड़ा इजी सा फॉर्मूला हो जाएगा एक, ठीक है, ये भी यूज करोगे आप लोग। खैर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाओ भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, लेट से मेरे पास एक लाइन मौजूद है, मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। लेट कर लो मिड पॉइंट यहाँ पे, बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे मुझे एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है। ये जो 90 डिग्री की लाइन होगी इसको आप कहोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी का होगा ना, खाली तो एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकती है, कोई एक गिवन लाइन होगी
जिसको आप एक तो बाइसेक कर रहे होगे, बाइसेक का मैथ में मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। वैसे अगर आप लिटरल मतलब देखो तो बाइसेक का मतलब होगा दो हिस्सों में तकसीम करना, जहां तक मुझे इंग्लिश आती है उसके मुताबिक। लेकिन मैथ में मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। तो बाइसेक भी आप कर रहे हो, दो इक्वल हिस्से आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये 90 डिग्री पे है, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक। तो एक तो इस लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक करती है। लेट से ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सेंटर आपने ट्राइंगल की पढ़ने हैं अभी। लेट से कोई ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, ये वाला, ये जो पूरा एंगल है, एज्यूम कर लो ये एंगल 60 डिग्री है, एज्यूम कर लो 60 डिग्री के बराबर है। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूं जो 30 डिग्री के ऊपर हो, एज्यूम कर लो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका एक 60 डिग्री का एंगल था, उसको मैंने बिल्कुल बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 30-30 के दो एंगल मैंने कर दिए, बिल्कुल मिड से बाइसेक्ट कर दिया एंगल को, तो उसको आप कहते हो एंगल बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये दूसरी किस्म की लाइन बताई है। तीसरी किस्म की लाइन होती है मीडियन। मीडियन आप किसको कहते हो, अगेन ट्राइंगल के अंदर यूज आप करते हो। मीडियन क्या होता है कि अगर आप एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है, अब इस वाले वर्टेक्स को लोगे इसके अपोजिट ये है, इस वाले को लोगे इसके अपोजिट ये है, तो इसके अपोजिट साइड ये है, आप इसका मिड पॉइंट निकालो सबसे पहले, एज्यूम कर लो मिड पॉइंट यहां पे होगा। तो अगर आप ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, क्या मैंने बोला, ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसको आप क्या बोलते हो, मीडियन। ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियन बनेंगे, जैसे तीन एंगल बाइसेक्टर है, ट्राइंगल की साइड के तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इसी तरह तीन मीडियन होंगे, ठीक है। आप इधर भी बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो। और आखिरी है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी साइड को आप पिक कर सकते हो, इसको पिक करो, इसको पिक करो, इसको पिक करो। आपने क्या करना होता है, लेट से अच्छा ऑल्टीट्यूड बाहर भी बन सकता है, मैं ट्राइंगल ऐसा बनाना नहीं चाह रहा जिसमें बाहर हो, फिलहाल बेसिक सी बात करते हैं, वरना ऑल्टीट्यूड आपका बाहर भी बन सकता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऑल्टीट्यूड सिंपल क्या होता है, एक वर्टेक्स को पिक करो और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज, अगर आप देखो ये लाइन जो है इसको आप ऑल्टीट्यूड बोलोगे, क्यों, एक वर्टेक्स से आपने एक लाइन बनाई और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाई है, तो उस लाइन को आप कहते हो ऑल्टीट्यूड, ठीक है। वो आप डिफरेंट बना सकते हो, लेट से आप ये वाला वर्टेक्स पिक करो और इससे एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है, तो तकरीबन 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे बनेगी, इसको भी आप ऑल्टीट्यूड बोलोगे, तो तीन ऑल्टीट्यूड बनेंगे। ये मैंने सब आपको देसी लैंग्वेज में समझाया, अब इनकी अंग्रेजी देख लो, क्योंकि एमसीक्यूज में यही पूछी जाती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट एट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, एन एंगल बाइसेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से आप उसको ड्रॉ करते हो, ठीक है, और टू इट्स अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड पर जा रहे होते हैं इन सच अ वे दैट इट डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। जो इक्वल होता है ना, इसको ज्योमेट्रिक फिगर में ना आप दो चीजों को इक्वल नहीं कह रहे होते। लेट्स से अगर दो एंगल इक्वल है ना, तो ज्योमेट्रिक फिगर में आप इक्वल का वर्ड यूज नहीं करते, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। मतलब इनका एक ही होता है, इक्वल होना, सेम होना। तो दो इक्वल हिस्सों में आपने एंगल को तकसीम कर दिया। मीडियन क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू इट। ऑल्टीट्यूड क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, मतलब वर्टेक्स से आपने ड्रॉ की, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाए, इसको आप कहोगे ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये सब बातें पढ़ने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए, उसके बाद चार सेंटर आपने पढ़ने, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। बहुत इजी, मतलब कुछ चीज नहीं है, वैसे नाम बनाया हुआ कि जितनी भी आपने लाइंस पढ़ी है ना, ये सब कंकरेंट लाइंस होती हैं। कंकरेंट लाइंस आप बोल दो, कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, नॉर्मली आपने वर्ड मैट्रिक में सुना होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे दो लाइंस हैं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो से ज्यादा लाइन होती है ना, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंकरेंट लाइंस। एज्यूम कर लो तीसरी लाइन इस तरीके से, तो दो से ज्यादा अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उसको आप बोलोगे कंकरेंट लाइन। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, जिसपे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कह रहे हो। तो जितनी जो मैंने आपको लाइंस बताई है ना, अगर आप किसी ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, एंगल बाइसेक्टर निकालो, मीडियंस निकालो या ऑल्टीट्यूड निकालो, ये सब कंकरेंट होते हैं। मतलब ये तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मिल रही होती है। ऐसा नहीं होगा कि दो लाइन इस तरीके से और तीसरी लाइन इस तरह जा रही है, मतलब इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे।
इसके डेरिवेशन भी बुक में लिखी हुई है, उन्होंने दो चीजों को तो प्रूफ किया वाला है, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर को प्रूफ किया हुआ है कि वो कंकरेंट है। तो अगर शौक इस प्रूफ में कोई खास बात नहीं थी इसलिए मैंने करवाया नहीं है, ये वेक्टर्स वाला प्रूफ है ना मेरे ख्याल में। सेंट्रॉइड में एक और बात रहेगी वो बता दूंगा बाद में। वेक्टर्स वाला नहीं, सिंपल इंटरनल डिवीजन फॉर्मुला इन्होंने लगा के पूरा सॉल्व किया हुआ है। शौक हो तो आप लोग देखना, रेशो पूरा लिख के सॉल्व किया हुआ पूरा। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपको पता होना चाहिए। अब जो चार सेंटर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले है सेंट्रॉइड, नहीं मैं इसी के हिसाब से जाता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सर्कम सेंटर के अंदर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर होता है इन सेंटर, मीडियन होता है सेंट्रॉइड, ऑल्टीट्यूड होता है ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर बच्चों ये दो सर्कल हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा मेरा, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, शौक को मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई है। एक होता है सर्कम सर्किल, एक होता है इन सर्किल। तो उनके जो सेंटर है ना उनकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, सर्किल की डेफिनेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, या रेडियस की डेफिनेशन मैं भी बताएंगे आपको। मेरा फोकस है सेंटर पे, डिटेल में समझ लें। फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था ना 11, उसके अंदर मैंने डिटेल में बातें बताई। सर्कम सेंटर क्या होता है, सिंपल अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं ना उसको आप सर्कम सेंटर कहते हो। जैसे कोई ट्राइंगल बनाते हैं, या आप लोग एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो अगर फारे गया टाइम आपके पास, आप सबसे पहले तीनों साइड का ना मिड पॉइंट निकालो। इसका मिड पॉइंट लेट्स से यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है। जब मिड पॉइंट निकाल लो उसके बाद 90 डिग्री की लाइन बनानी है, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन बना दो। अच्छा जी, जरूरी नहीं कि वो लाइन वर्टेक्स से मिलेगी, नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इसको मिड से एक लाइन बाइसेक्ट करिए 90 डिग्री पे, दैट्स इट। इसी तरह यहाँ पे एक बना दो 90 डिग्री की लाइन, एक आप यहाँ पे बना दो 90 डिग्री की लाइन। तो आप देखोगे तीनों लाइन, देखो रफ डायग्राम में भी तीनों मिल ही रहे हैं तकरीबन, तो ये तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे ना उसको आप क्या बोलोगे, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या एक और वर्ड भी यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को आप कहते हो सर्कम सेंटर। सेम यही लॉजिक आपने इन सेंटर में लगानी है कि एक ट्राइंगल कंसिडर करना है और उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसको आप कहते हो इन सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। सेम लॉजिक सेंट्रॉइड के अंदर लगानी है कि आपको यहाँ पे बनाने मीडियन, मीडियन किस तरह बनाते हो, वही मिड पॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एक वर्टेक्स को अगले मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इसी तरह इस तरह ज्वाइन कर दो, इसी तरह इस तरह ज्वाइन कर दो। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे होंगे उस पॉइंट को आप बोलोगे सेंट्रॉइड। इसी तरह ये था इन सेंटर। तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, उसको आप बोलोगे सेंट्रॉइड। और आखिरी चीज है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स। तो अब ऑल्टीट्यूड बनाओ, ऑल्टीट्यूड बनाने का तरीका क्या होता है, अच्छा मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें ऑल्टीट्यूड बाहर की तरफ बन रहे हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में शर्त क्या होती है, 90 डिग्री पे आपने बनाना है। अब वो बाहर भी बन सकता है, जैसे हम एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेते हैं, इसमें अगर मैं आपको बोलूं ऑल्टीट्यूड बनाओ तो जरा देखते किस तरह बनाते हैं। लेट्स अगर मैं इस वर्टेक्स को पिक करता हूं, भाई अंदर आप कोई भी लाइन बनाओ 90 डिग्री की बनेगी नहीं, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं कोई भी लाइन बनाऊंगा 90 डिग्री की बनेगी नहीं। 90 डिग्री कैसे बनेगी, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये एक्सटेंशन पे जाके यहां पे की 90 डिग्री की एक लाइन आपको मिल रही होगी। तो एक ऑल्टीट्यूड आपका इस तरीके से पूरा बन रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि बाद में काम आएगा। इसी तरह एक ऑल्टीट्यूड आपने यहां से बनाना है, ये अंदर नहीं बनेगा, इसको आपने एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहां पे ना आपके ये बना रहे होंगे 90 डिग्री, तो इसको भी जरा हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक ऑल्टीट्यूड ये है, एक ऑल्टीट्यूड ये है। इसी तरीके से तीसरा ऑल्टीट्यूड कैसे बनेगा, वो आप अंदर ही आपको 90 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से 90 डिग्री बनाओ और इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, तो जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे ना उस पॉइंट को आप बोलोगे ऑर्थो सेंटर। तो इस डायग्राम से आपने एक तो ऑर्थो सेंटर सीख लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। दूसरी बात आपने देख ली कि ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, अगर आप ट्राइंगल एक्यूट बनाओ, अगर आप ऑब्ट्यूज बनाओगे तो ऑर्थो सेंटर बाहर भी हो सकता है। इसी तरह सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा सेंटर दरमियान में ही होगा, मतलब ट्राइंगल के अंदर ही होगा, ट्राइंगल के बाहर हो ही नहीं सकता। सेंट्रॉइड को तो आप ज्योमेट्रिकल सेंटर कहते हो ट्राइंगल का, ये तो बाहर नहीं हो सकता। इसी तरह इन सेंटर भी
ट्राइंगल के अंदर ही होगा, क्योंकि जब आप एंगल को बाइसेक्ट करोगे ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट बाहर जाएगा, अंदर ही रहेगा। इसी तरह सर्कम सेंटर जो है वो बाहर जा सकता है। कॉन्सेप्ट अगेन वही बात की, अगर आप ऑप्टूज बनाओगे तो आपको बात समझ आएगी। जैसे मैं एक फालतू का एक बनाता हूँ, आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अगेन ये देखो ऑप्टूज है, ये वही काम करो आप। सबसे पहले इस वाली साइड का बाइसेक्ट ये है, इसको 90 डिग्री की एक लाइन बनाओ। इसी तरह यहाँ पे मिड पॉइंट इसका लेट से यहाँ पे है, इधर एक 90 डिग्री की लाइन बनाओ। इसी तरह यहाँ पे मिड पॉइंट एज्यूम कर लो कि यहाँ पे है और 90 डिग्री की आप लाइन बनाओ। तो देखो यहाँ पे भी सर्कम सेंटर बाहर है। तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इन सेंटर और सेंट्रॉइड जो है ये ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं हो सकते। इन सेंटर अंदर ही रहेगा ना, मैं वेरीफाई कर लूं। हाँ, क्योंकि सर्कल अंदर बन रहा होता है, बाहर नहीं हो सकता। हाँ सही है बिल्कुल। तो अब ये बात पॉइंट बुक में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये देखो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट वेयर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट। इन सेंटर में द पॉइंट वेयर थ्री एंगल बाइसेक्टर मीट। सेंट्रॉइड में पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस मीट। ऑर्थो सेंटर में द पॉइंट वेयर थ्री ऑल्टीट्यूड्स मीट। सब मिल रहे हैं आपस में। सेंट्रॉइड का एक फॉर्मुला भी होता है, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे जब हम कर रहे होंगे। कल आपने जितने सेंटर पढ़े थे, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये चार हैं। इनमें से दो के फॉर्मुले हैं जो बुक वालों ने मेंशन भी किए हैं। कोई एक डेरिवेशन उन्होंने पूरी की हुई है, उस डेरिवेशन के अंदर फॉर्मुला भी उन्होंने निकाला हुआ है, तो वो फॉर्मुले मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रॉइड को नॉर्मली जी से आप रिप्रेजेंट करते हो, नोटेशन वैसे ही आप यूज करते हो। मुझे नहीं पता बुक में लिखी हुई नहीं लिखी हुई, लेकिन बारह जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल मिड पॉइंट जैसा होता है। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसके आपको वर्टिसेस दे दिए गए हैं और बोला है कि सेंट्रॉइड निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास डायरेक्ट सेंट्रॉइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी चीज का भी फॉर्मूला है इन सेंटर। इन सेंटर का इन सेंटर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह ए वन वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए बी सी क्या होता है, ये कोई बच्चा बताएगा हमें? बताओ यार। साइड्स होंगी ना? साइड्स होंगी। क्या आपका जा रहा था पूरा जुमला बोलने में कि साइड लेंथ होंगी, ताकि बात कंप्लीट हो? साइड होंगी, सेंस नहीं बनती ना। साइड का क्या? साइड की लेंथ, साइड का मिड पॉइंट, साइड का क्या? तो साइड की लेंथ होती है ए बी सी। और ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्मॉल ए है, ये कौन सी साइड की लेंथ होगी? जो वर्टेक्स ए के सामने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉर्मूला बना हुआ इस तरीके से कि जो वर्टेक्स ए है, इसके सामने वाली जो साइड है ना, उसकी लेंथ को आप बोलोगे स्मॉल ए। तो इसका मतलब जब बी और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास ए आएगा। इसी तरह वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है, इसकी लेंथ को आप बोलोगे बी। इसका मतलब जब ए और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके जो लेंथ आ रही होगी वो बी के बराबर होगी। और सेम कैपिटल सी के सामने जो साइड है, उसकी लेंथ को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ए बी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास सी आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के मैंने सवाल करवाए नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंटरनल का टॉपिक चल रहा था। मैंने कहा था इसी को कंप्लीट करते हैं, जो बातें बताई हैं वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला का बड़ा इजी टॉपिक है, इंशाल्लाह कल वो कंप्लीट करेंगे और बाकी बातों को कंप्लीट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए जस्ट आपको एबीसी पता होना चाहिए। एबीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। इसका डिस्टेंस निकालो, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, तो एबीसी आ जाएगा। वंस एबीसी आ जाए, बाकी तो वर्टिसेस तो आपको पता होंगे जो ट्राइंगल में दिए होंगे। जो बाकी दो सेंटर है ना, उनके फॉर्मूले हैं नहीं। अगर आपको शौक हो तो मुझे बता देना, मेरे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, उनको दैट्स व्हाई बताया नहीं जाता, आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर शौक हो तो वो बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन जब वैल्यूज पुट करोगे डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। बुक में इनडायरेक्ट तरीके से आपने निकाला हुआ है। आपके बुक में एक सवाल है सरकम सेंटर निकालने का, तो सरकम सेंटर को एक इनडायरेक्ट पूरे तरीके से निकाला हुआ है। उसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन बड़ा सा फॉर्मूला है, उसको वो मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं बताना भी नहीं चाह रहा आपको। किसी को शौक है तो बता देना, मैं भेज दूंगा। इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर जो है, उसका तो और बड़ा मनहूस फॉर्मूला है, लेकिन बुक ने एक और टेक्निक से करवाया हुआ है। पता नहीं 7.1 में तो नहीं है ऑर्थो सेंटर का सवाल, पता नहीं आगे ना हो, लेकिन 7.1 में ऑर्थो सेंटर का नहीं है, या है? एक सेकेंड, होना तो चाहिए यार। नहीं, इन सेंटर का सवाल मौजूद है, सर्कम सेंटर का है, सेंट्रॉइड का है, ऑर्थो सेंटर का मुझे की नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ऑर्थो सेंटर का भी बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला है, जो कि मेंशन पुरानी बुक में भी नहीं होता था, इसमें भी नहीं होता था, ठीक है।
तो ये दो ही फॉर्मूले मेंशन होते हैं। अगर सर्कम सेंटर आ जाए या ऑर्थो सेंटर आ जाए तो उसको हम डिफरेंट टेक्निक से, थोड़ी लंबी टेक्निक होती है, हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था और दूसरा पॉइंट तो मुझे आपको एक्स्ट्रा बताना है। वो मिस होने वाली बात सेंट्रॉइड में बुक में भी लिखी हुई थी, बार बार मेरे ध्यान से निकल रही थी, वो ये है कि सेंट्रॉइड जो है ना वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप सेंट्रॉइड बनाओ ना तो आप डायग्राम से भी इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस के लिए आपको चाहिए मिड पॉइंट, एज्यूम कर लो ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। तो आपने इस तरीके से एक मीडियन बनाया, एक मीडियन आपका इस तरह बन गया, एक मीडियन आपका इस तरह बन गया। तो ये जो है ये सेंट्रॉइड है। तो स्टेटमेंट क्या दी जाती है? सेंट्रॉइड डिवाइड ईच एंड एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1। लेकिन 2:1 कहां से? मैंने बताया था मैटर कर रहा होता है कहां से लेके कहां तक बात कर, लाइन सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है कहां पर खत्म हो रही है, ए से लेके भी उसी तरीके से इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है कि अगर आप हर मीडियन को देखो ना तो सेंट्रॉइड को जी से आप रिप्रेजेंट करते हो, सेंट्रॉइड जो है उसको 2:1 रेशियो में कट करता है। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से आपने स्टार्ट करना है। आपको पता है जो पहली चीज होती है ये लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उस वक्त तक, मतलब एम यहाँ पे 2 है और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उससे लेके आखिरी लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है उससे लेके वहां तक पूरा 1 होगा। तो ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। अगर इस वाले मीडियन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, एज्यूम कर लो ये, तो आपको दिखने में लग रहा है एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो अगर मैं आपको बोलूं जी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस मीडियन को, तो आप बोलोगे सर जी से पहले 2 हिस्से हैं, जी के बाद 1 हिस्सा है, इसका मतलब 2:1 में कट कर रहा है। ये डायग्राम रफ डायग्राम में भी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी तरह बाकी मीडियन भी देख सकते हो। इस मीडियन को देखो, अगेन आपको दिखने में लग रहा है एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो 3 हिस्से हैं ये। अगेन जी जो है वो इस वाले मीडियन को 2:1 से कट कर रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से देखो स्टार्ट हो रहा है। तो वर्टेक्स से देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, लेट से अगर ये बी है और इसको लेट से एफ कह दो, तो वर्टेक्स से आपने स्टार्ट करना है। देखो 2 हिस्से जी से पहले हैं, मतलब ये 2 है और इसके बाद एक 1। और इसमें भी आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ी सी डायग्राम अगर अच्छी होगी तो नजर आएगा, जितना ये हिस्सा है इतना एक हिस्सा यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो फ्रॉम वर्टेक्स से 2 हिस्से हैं और यहाँ पे एक हिस्सा, तो सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 रेशो पे डिवाइड कर रहा होता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट क्या बताना था, ध्यान से निकल गया। हाँ, दूसरा पॉइंट ये था कि जितने आपने सेंटर पढ़े हैं ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, क्या कहते हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, क्योंकि अगर आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हो ना तो ये बातें आपको तब समझ आएंगी। ऑब्ट्यूज अगर ट्रायंगल बनाओगे ना तो पहली बात इसका जो ऑर्थो सेंटर है कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, इसी तरह इसका सर्कम सेंटर भी बाहर लाई कर रहा होगा। अगर आप इसका इन सेंटर निकालोगे वो अलग होगा, सेंट्रॉइड निकालोगे वो भी थोड़ा अलग होगा। कहने का मतलब अगर आपका ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, वहां पे आपको चारों पॉइंट्स, चारों सेंटर अलग अलग नजर आएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये तीन, ये चारों सेंटर जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, चारों सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं। आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ उसमें आप सेंट्रॉइड मालूम करो, क्योंकि खासियत ये होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप सबसे पहले अगर मीडियन बनाना चाहोगे, मीडियन क्या होता है कि मिड पॉइंट और आपने एक लाइन बनानी है, ठीक है। अगर आप ये वाली लाइन बनाओगे तो ये मीडियन भी है, ये ऑल्टीट्यूड भी है। क्यों? क्योंकि देखना जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप मीडियन बनाओगे तो वो 90 डिग्री पे कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये ऑल्टीट्यूड भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। जब आप मीडियन बनाओगे आप ऑब्जर्व करोगे ये बिल्कुल उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा 30-30 पे, इक्विलेटरल में 60-60 होता है ना, 30-30 पे कर रहा होगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब इन सेंटर, इसी तरह ये मीडियन भी है मतलब सेंट्रॉइड, ये ऑल्टीट्यूड भी है मतलब ऑर्थो सेंटर, इसी तरह सर्कम सेंटर के अंदर आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है और साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खासियत क्या होती है कि चारों सेंटर एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, अलग अलग नहीं होते, बाकी ट्रायंगल में आपको अलग कहीं बाहर कहीं अंदर इस टाइप के नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से एक बहुत मशहूर लाइन होती है, इसके बारे में आप लोग सर्च करना है, इसको आप कहते हैं ऑयलर लाइन। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके अंदर आप सेंट्रॉइड बनाओ, उसके अंदर आप सर्कम सेंटर बनाओ, उसके अंदर आप ऑर्थो सेंटर बनाओ, ये तीनों सेंटर जो है ये एक खास लाइन के ऊपर होते हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स आप कहते हो, इन सेंटर के नहीं शामिल करते, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल का आप बनाओ, आप ऑब्जर्व करोगे इन तीनों पॉइंट्स से आप एक लाइन पास कर सकते हो, बाकी हर रैंडम 3 पॉइंट से तो लाइन पास नहीं कर सकते ना। अब मुझे बताओ एक लाइन में कैसे पास करूंगा इन तीनों से,
तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उस लाइन को आप बोल रहे होते हो ऑयलर लाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट भी होता है, वो एक और सेंटर भी होता है, लेकिन वो नाइन पॉइंट सर्किल का सेंटर होता है। नाइन पॉइंट सर्किल का क्या होता है, मतलब एक ऐसा सर्किल होता है जो नौ पॉइंट से पास कर रहा होता है। तो उस सर्किल का जो सेंटर है ना वो भी इस लाइन के ऊपर होता है। वो नौ पॉइंट कौन कौन से होते हैं, एक ऐसा सर्किल है जिसको नाइन पॉइंट आप सर्किल कहते हो। तीन पॉइंट तो होते हैं मिड पॉइंट ट्राइंगल के साइड्स के, अच्छा जी, बाकी तीन पॉइंट जो है वो होते हैं, मेरे जहन में नहीं रहा, बाकी तीन पॉइंट जो है वो आई गेस एक तो था ना कि मिड पॉइंट के होंगे और एक ऑल्टीट्यूड के थे शायद, हाँ एक ऑल्टीट्यूड के थे। तीन पॉइंट तो ये हो गए ना, बाकी तीन पॉइंट कौन से होंगे, अगर कोई भी ट्राइंगल है यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है ऑब्वियसली, इसमें भी आपको चीज नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये तीन मिड, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। इसी तरीके से बाकी तीन पॉइंट क्या होंगे, ऑल्टीट्यूड जहां पे मिल रहे हैं साइड से। जैसे अगर मैं ऑल्टीट्यूड बनाऊं यहाँ पे तो ये ऑल्टीट्यूड इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ऑल्टीट्यूड साइड से मिल रहा है उन पॉइंट्स को नोट करो। इसी तरह यहाँ पे ऑल्टीट्यूड आपको एक मिल रहा होगा तो इस पॉइंट को एक नोट कर लो। इसी तरह और ऑल्टीट्यूड आपको कहाँ मिलेगा, लेट से यहाँ पे मिलेगा तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो। तो तीन तो मिड पॉइंट्स थे, तीन जो है वो इसको आप कहते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड। फुट कहते हैं जहां पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट के ऊपर, ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोलोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको नॉर्मली ऑल्टीट्यूड बोलते हैं तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड बोला जा रहा है। बहरहाल तो तीन पॉइंट ये हो गए, और बाकी तीन पॉइंट जो है वो इसके होंगे जो ऑर्थो सेंटर है ना। ऑर्थो सेंटर बनाओ, ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा, इसको लेके जाते हैं, इसको लेके जाते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, हम आप एडजस्ट उस हिसाब से करते हैं वरना ये पॉइंट बाहर आ जाएगा। इसको लेट से हम इस तरह बनाते हैं, एज्यूम कर लो 90 डिग्री बन रहा है, ये ऑर्थो सेंटर है, बस आप ये एज्यूम कर लो। तो ऑर्थो सेंटर, ये जो ऑल्टीट्यूड पूरा आपने बनाया था ना, तो इस ऑर्थो सेंटर से लेके वर्टेक्स से जो आपका पूरा ऑल्टीट्यूड जा रहा है ना, इसका जो मिड पॉइंट है एज्यूम कर लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसी तरह इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसी तरह इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये तीन पॉइंट हो जाएंगे। तो खैर ये नौ पॉइंट का सर्किल का जो सेंटर बनता है ना, मतलब ये ऐसा सर्किल होता है जो नौ पॉइंट से पास कर रहा होता है, इसका जो सेंटर है ना वो भी इस लाइन के ऊपर होता है। बहरहाल ये आगे आप लोग खुद सर्च कर सकते हो तो मजीद बातें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, ये टॉपिक बुक में मेंशन नहीं है लेकिन उसका सवाल लिखा हुआ उन्होंने, और उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि बच्चों को पहले से पता होगा, और हमारा बच्चा माशाल्लाह पहले से कुछ याद करके नहीं आया हुआ। वो रिविजन है जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते थे ट्राइंगल्स के बारे में, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताते जाना, रिविजन होती जाएगी। सबसे पहले बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलिनी ट्राइंगल। सर जिसकी टू साइड्स वो होती हैं, टू साइड सेम होती है ना और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। बहुत घटिया डेफिनेशन है, कोई और स्टूडेंट ट्राई करेगा। साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इक्वल। मैं बताता हूँ, जो जिसको दो साइड इक्वल है ना उसको इसी टाइप का वर्ड है, लेकिन फर्क है उसमें, एक चीज नहीं है। इसी तरह एक और होता है इक्विलेटरल, मैं कल में ये तो सबको बता होगा, ऑल साइड्स इक्वल। अब ये इक्वल की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इनकी और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, वो मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा क्योंकि आप लोगों की बुक में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है और डिस्टेंस फॉर्मूला का ताल्लुक लेंथ से होता है। तो अगर आपको कहीं प्रूफ करना पड़े ना ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो आप तीन लेंथ निकालोगे, ए बी, बी सी, ए सी, अगर तीनों बराबर होंगे तो समझ जाना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसी तरह स्केलिनी की आप क्या करोगे, जस्ट आपको तीन लेंथ निकालनी होंगी, तीनों अलग होंगी, समझ जाना स्केलिनी ट्राइंगल है। तो दैट्स वेल लेंथ से ताल्लुक है, तो मैं वही प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें क्या होता है, टू साइड आर इक्वल, टू साइड्स इक्वल होंगी, तीसरा ऑब्वियसली अनइक्वली होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए कि जो साइड इक्वल होती है उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। जैसे अगर मैं कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाऊ ना, एज्यूम कर लो ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर दो इक्वल साइड है उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल है, तो देखो सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 60 60 के होते हैं। खैर एक तो बड़ा मशहूर टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आपको दो बातें बतानी चाहिए, उसमें कुछ इक्वल का नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल
में देखो डिफरेंट सिचुएशन बन सकती है. राइट ट्रायंगल में आइसोसेलेस भी आ सकता है आपके पास, राइट ट्रायंगल में स्केलिनी भी आ सकता है. मतलब ऐसा कोई राइट ट्रायंगल हो जो स्केलिनी हो, मतलब सारी साइड उसकी अनइक्वल होंगी. या ऐसा भी हो सकता है राइट ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो. राइट में इक्विलेटरल नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो सारे एंगल 60 होने चाहिए, वो राइट में नहीं होगा. लेकिन राइट के अंदर ये भी हो सकता है, राइट के अंदर ये भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन राइट को डिफाइन करने के लिए दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए, एक बात आप यहाँ पे सीखोगे, दूसरी बात स्लोप में सीखोगे. मतलब आपको पहले से ही पता है लेकिन अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे जब भी राइट ट्रायंगल का जिक्र होगा तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में लेंथ इन्वॉल्व है. और मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला डीली लेंथ से कर रहा होता है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा बेस की लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर. और ये बेस परपेंडिकुलर टोटली डिपेंड करते हैं थीटा के ऊपर. अब ये भी बच्चों को नॉर्मली पता नहीं होता. अभी देखो मैं सवाल करता हूँ, सबको नहीं पता होगा. बताओ इसमें ये वाली साइड जो है इसको एक्स कहता हूँ, इसको वाई कहता हूँ, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? सर एक्स वाली. देखो मुझे पता था. और ट्राई करो जरा, कार्ड स्पेसिफाई. ये अच्छा जुमला है कि मैं स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इसका वर्ड ही थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा कहाँ पे है? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है. बेस परपेंडिकुलर या कुछ बुक्स में आप देखोगे ज्यादातर बुक्स में आप देखोगे उसमें लिखा होगा परपेंडिकुलर बेस का नहीं होता, उसमें एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड होता है. तो आप किसके अपोजिट, उस वाले नाम में ना समझ आ जाएगा मतलब कि अपोजिट किसके, तो आपको समझ आ जाएगा नहीं कुछ चीज मिसिंग है. परपेंडिकुलर बेस में समझ नहीं आता, बच्चे समझते हैं ये परपेंडिकुलर ये बेस है. दैट्स वाई ये ना वर्डिंग खतरनाक है. इसको अपोजिट और एडजेसेंट समझो कि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको अपोजिट साइड कहते हो, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर कह रहे हो, और थीटा के साथ वाली साइड जो है इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिसको आप बेस कहते हो. अगर मेरा थीटा यहां पे मूव कर जाएगा तो अब बेस परपेंडिकुलर टोटली चेंज हो जाएगा. अब थीटा के सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर होगा और अब ये बेस बन जाएगी. तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. और राइट ट्रायंगल से रिलेटेड दूसरी बात पता होनी चाहिए कि टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो दो साइड जो है, आप इस तरह भी कह सकते हो दोनों साइड के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, या ये कह सकते हो किसी भी दो साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है राइट ट्रायंगल के अंदर. ये बात आपको बाकी एक्सरसाइज में काम आएगी, जहां स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा ना वहां पे काम आएगी. तो ये तो ट्रायंगल की सारी खसूसियात है. अब आ जाते हैं थोड़ी क्वाड्रिलेटरल की, उसकी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. अब ये मैं वर्बली बताऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास, इसको आप लोगों ने खुद लिखना है. ये सारी बातें जो मैं बताऊंगा लिखना है आप लोगों ने अपने पास. सबसे पहले हम बात करते हैं पैरालेलोग्राम की. पैरालेलोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड का मतलब एक दूसरे के सामने सामने जो होती है, तो ये साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है. पैरालेलोग्राम की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पैरालेलोग्राम की मजीद तीन टाइप्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे होते हो, जिसको आप कहते हो स्क्वायर, फिर आप कहते हो रेक्टेंगल, फिर आप कहते हो रोम्बस. ये अगर नहीं पता तो देख लेते हैं. ये पैरालेलोग्राम की टाइप्स हैं. क्यों? क्योंकि पैरालेलोग्राम की डेफिनेशन है अपोजिट साइड इक्वल. जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है वो पैरालेलोग्राम है. भाई स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है. दैट्स वाई ये तीनों जो है ये पैरालेलोग्राम कहलाते हैं. और पैरालेलोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड फिगर. फोर साइडेड फिगर में पैरालेलोग्राम एक किस्म है, और भी फोर साइडेड फिगर है जो कि पैरालेलोग्राम नहीं है, वो बताऊंगा बाद में. लेकिन स्पेसिफिक किस्म की फोर साइडेड फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है उसको आप कहते हो पैरालेलोग्राम, जिसकी मजीद तीन टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई. अब इसके अंदर ये बातें आपको पता होनी चाहिए. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री मतलब इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में अगेन अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं. रोम्बस लिख लेना अपने पास, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल सारे इक्वल नहीं होते, ठीक है. रोम्बस और स्क्वायर में मैं फर्क बता देता हूँ, जो आप लोगों की बुक में सवाल तो नहीं है लेकिन तभी मैं इतनी अहमियत नहीं दे रहा इसको, मैं वर्बली बता रहा हूँ. पहले बुक में सवाल होते थे, इसमें सवाल नहीं है. तो मैं फर्क बता देता हूँ स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है. स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल है. फर्क है इनके डायगनल्स के अंदर. डायगनल्स क्या होता है? लेट्स से अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो ये वाली लाइन डायगनल कहलाती है. देखो जो साथ वाले वर्टेक्स है ना, जो एक साथ वर्टेक्स आ रहे हैं उसको जो लाइन मिला रही है उसको आप कहते हो साइड. जो एक साथ वर्टेक्स गिवन है ना उनको जो लाइन मिलाती है उसको आप साइड कहते हो, और जो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाती है उसको आप डायगनल कहते हो. तो एक डायगनल ये होता है, एक डायगनल ये होता है.
तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये फर्क है। रोम्बस जो है ना वो पैरेललोग्राम टाइप की शेप बनती है, ये रोम्बस है, बस फर्क क्या है किसकी सारी साइड्स इक्वल है। दिखने में आपको पैरेललोग्राम लग रहा है, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना, इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो, लेकिन जो आपने पैरेललोग्राम देखे हुए ना इस किस्म के, उसमें ये होता था कि अपोजिट साइड इक्वल होती थी, ठीक है, सारी साइड इक्वल नहीं होती थी, आपको देखने में लग रहा है सारी साइड इक्वल नहीं है इसके अंदर, जबकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। आप देखो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहे, सब अनइक्वल एंगल है और 90 डिग्री नहीं बन रहे, दैट्स व्हाई स्क्वायर और रोम्बस में फर्क होता है। वैसे तो साइड्स इक्वल है सारी, लेकिन ये थोड़ा बहुत फर्क आपको रोम्बस और स्क्वायर के अंदर नजर आएगा। इसी तरीके से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी फर्क होता है, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन फर्क ये है पैरेललोग्राम तो बड़ा बेहुदा सा बनाया मैंने, एक सेकेंड, फर्क यह है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। देखो एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, जैसे रोम्बस के अंदर भी है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल अगर आप बनाओगे आप देखोगे यार उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, दिखने में भी आपको लग रहे हैं, तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। कोई मसला यहां तक, कोई परेशानी? नो सर। इतने सवाल कर दिए, एक सेकंड सर, स्क्वायर्स डायगोनल आर इक्वल, अच्छा ये आप मेंशन, चलो ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट जो कल के सवाल में आप लोगों को इनसे रिलेटेड पता होना चाहिए, वो है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये वाला पॉइंट अपने पास लिख लेना आप लोगों ने। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है आपको दिखने में लग रहा है बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करें इसका मतलब बाकी सब शेप के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर आप पैरेललोग्राम को देखो ना, है तो अनइक्वल, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, आपको देखने में भी लग रहा है। अगर आप ये छोटे वाले को देखो, ये बड़े वाले को इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा है, देखो एक ये हिस्सा है और ये हिस्सा, आपको देखने में लग रहा है दो इक्वल हिस्से हैं। इसी तरह अगर आप बड़े वाले को देखो तो ये छोटे वाले को इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देखो दोनों इक्वल है। तो जब ये एक दूसरे को बाइसेक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक कर रहे हैं, और जब डायगोनल बाइसेक करते हैं तो इनके जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होते हैं। जैसे बड़े वाले डायगोनल का मिड पॉइंट भी ये होगा और छोटे वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट यही होगा। जब डायगोनल बाइसेक करते हैं तो मिड पॉइंट्स डायगोनल के इक्वल होते हैं, इस स्टेटमेंट को याद रखो, क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में, क्या मैंने बात बोली, जब डायगोनल बाइसेक करते हैं इसका मतलब मिड पॉइंट जो है वो इक्वल होंगे, और अगर डायगोनल बाइसेक नहीं कर रहे ना तो देखना मिड पॉइंट इक्वल नहीं होते। ये मैं भी आपको नेक्स्ट शेप में बताता हूँ, नेक्स्ट शेप क्या है, ट्रेपेजॉइड, इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ ट्रेपेजॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन यहाँ पे मैं डायगनल बनाता हूँ, एक डायगनल इस तरीके से, एक डायगनल इस तरीके से, आपको दिखने में लग रहा है इनके मिड पॉइंट अलग होंगे क्योंकि बाइसेक्ट ही नहीं कर रहे। अगर इस बड़े वाले का मैं मिड पॉइंट निकालूं तकरीबन यहाँ पे होगा कहीं मिड पॉइंट, बड़े वाले का, अगर मैं इस छोटे वाले का निकालूं तकरीबन यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, क्योंकि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब इनके मिड पॉइंट अलग होंगे, जबकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इनके मिड पॉइंट इक्वल होते हैं सब शेप्स के अंदर। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, बाकी इनकी एंगल की इन्फॉर्मेशन भी है वो बच्चों वाले लेवल पे होती थी, शौक हो तो जाके सर्च कर लेना, लेकिन इस लेवल पे डायगोनल लेंथ ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा आखिरी शेप जो मैंने आप यहाँ पे बनाई है दोबारा बता देता हूँ, उसका नाम क्या है नीचे लिख देता हूँ, ट्रेपेजॉइड। सबसे पहली बात, ये पैरेललोग्राम नहीं है, तभी मैंने हट के बताया इसको, ये एक क्वाड्रिलेटरल कराया जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसकी चार साइड है। पैरेललोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाई थी दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ट्रेपेजॉइड बनाने का सिंपल तरीका है कि दो पैरेलल साइड लो, एक ये वाली साइड ले ली और ये ले ली, मतलब उनकी लेंथ इक्वल नहीं हो, एक पैरेलल मैंने इस तरफ ली, एक पैरेलल साइड मैंने इस तरफ ली, और लेंथ इनकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इनको ज्वाइन करते जाओ, आपके पास ट्रेपेजॉइड आता जाएगा, कोई फिक्स शेप नहीं कि ट्रेपेजॉइड की, मैं बताता हूँ ये भी एक ट्रेपेजॉइड है। अच्छा जी, मैं अगर चाह रहा हूं कि इसको मैं और थोड़ा लंबा कर दूं तो ये भी ट्रेपेजॉइड है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं तो ये भी एक ट्रेपेजॉइड है। आप बेतहाशा शेप बना सकते हो ट्रेपेजॉइड की। मेन चीज क्या है कि दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस आपने लेनी है, उनको आपने ज्वाइन करते जाना है, आपके पास ट्रेपेजॉइड आ जाएगा। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल कर दी तो फिर तो ये वो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, इसकी और इसकी लेंथ आपने अनइक्वल रखनी है, और बनाते जाओ आपके पास बेतहाशा ट्रेपेजॉइड आ जाएगा, ठीक है।
शेप देख के आपको खुद लग रहा है कि यार इसके डायगनल ना कभी इक्वल होंगे ना कभी बाइसेक करेंगे, क्योंकि जिसकी शेप ही कंफर्म नहीं है तो क्या होगा उसके अंदर, ठीक है। और आखिरी ट्रेपेजॉइड के अंदर इसकी एक टाइप होती है जिसको आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ये पुरानी बुक में तो सवाल होते थे, इस बुक में मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन चलो पता तो होना चाहिए, नॉलेज आपको हो। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड की शेप क्या होती है, अगेन वही दो अनइक्वल पैरेलल साइड आपने लेनी है और इनको आपस में ज्वाइन करना है। अब ये एक स्पेसिफिक ट्रेपेजॉइड है, क्यों? आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड क्या होता है कि देखो ये तो पैरेलल साइड होती है ना, और दूसरी वाली साइड जो है वो अनपैरेलल होती है, नॉन पैरेलल आप कह दो, कि एक पेयर जो है वो पैरेलल है और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता। तो ये जो नॉन पैरेलल वाला पेयर है ना, अगर ये लेंथ में इक्वल हो जाए तो उसको आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। क्या मैंने बात बोली? जो नॉन पैरेलल वाला पेयर है ना, इसकी बात नहीं कर रहा, जो नॉन पैरेलल वाला पेयर है उसकी अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो उसको आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। आपको देखने में लग रहा है इनकी लेंथ तकरीबन इक्वल है, तो ये वाली शेप होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड की। और इसमें खास बात क्या होती है कि डायगनल इक्वल होते हैं लेंथ में, दिखने में भी आपको लग रहा है डायगनल की लेंथ इक्वल होगी, लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इक्वल होंगे।